अलेक्स में अलेक्स से संबंधित लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, या जो लोग भी अलेक्स से संबंध नहीं रखते हैं, जो लोग अलेक्स से संबंध नहीं रखते हैं, अगर वो भी हमारे साथ कनेक्ट है तो सभी को सुपर अलेक्स हमारा विश करने का एक तरीका है। हम अलेक्सियंस दिल से जब भी किसी को विश करते हैं तो उसको बोलते हैं सुपर अलेक्स। तो आप सभी लीडर्स को और सभी अलेक्सियंस को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आप समृद्ध रहें, क्योंकि यही हमारी कंपनी का नारा है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। हम इसी पे काम करते हैं। तो स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत खाली लिख देने से दोस्तों कोई भी देश स्वस्थ नहीं हो सकता या समृद्ध नहीं हो सकता, उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम मैंने देखा है बहुत सारे लोग कि वो लिखते तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन उस पे प्रैक्टिकली क्या किया करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपका वो जो लिखा हुआ स्लोगन है वो आप पूरा कर पाएंगे। नहीं तो हमारा स्लोगन है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। तो स्वस्थ भारत कैसे स्वस्थ होगा उसके विषय में आज हम बात करेंगे। आज का विषय है कि शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। देखिए हमारा उद्देश्य बिल्कुल शुरू से ये नहीं रहा है, पहले दिन से मैं आपको बताता रहा हूं कि हमारा। अच्छा मैं एक चीज बस ये जानना चाहूंगा, कोई भी लीडर जो हमें मुझे सुन रहे हैं, क्या एक कोई भी एक बोल के बताए क्या मेरी साउंड क्लियर है, क्या आप मुझे सही सुन पा रहे हैं? चलिए तो ठीक है, आवाज क्लियर है, कंफर्मेशन है। तो शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है, इसका कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि देखो हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। आप बोलेंगे कि सर हम तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर आप कहेंगे कि शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है तो लोग प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे। मैं फिर से आपको यही बात कहना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल ये शुरू से ये नहीं रहा है कि हम कोई खाली काम करें, प्रोडक्ट सेल के ऊपर काम करें। हमारा एक मिशन है कि देशवासियों को, लोगों को स्वस्थ कैसे बनाना है। तो कैसे स्वस्थ होंगे उसका मूल मूल जो सिद्धांत है, आज मैं उस विषय पर बात करूंगा कि ये जो हमारा शरीर है ना, इसको कोई भी बीमारी को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो उसको दवाई किससे पहले उसको शरीर को शुद्ध करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करना चाहूं, मान लो आपका घर है, आपके घर के आपका किचन लगा सकते हो या आपके घर का कोई भी रूम लगा सकते हो। मान लो आपके घर की किचन है, किचन में आप बहुत सारी सब्जियां काटते हैं या खाना बच जाता है, वो आप एक डस्टबिन में डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, और डस्टबिन में वो इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है बहुत दिनों तक। मान लो आप उसकी सफाई नहीं कर रहे हो, इकट्ठा हो रहा है, तो अब इकट्ठा होने से वहां पे स्मेल आने लगती है या बहुत सारे कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं, मक्खियां मच्छर उत्पन्न होने लगते हैं उस कूड़े में। तो आप क्या करते हैं उस पे ना, कोई उन मच्छरों को या कीड़े मकोड़े को भगाने के लिए आप उस पे कोई स्प्रे स्प्रे कर सकते हैं, उस पे स्प्रे कर देंगे, उस पे कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे कर सकते हैं या कोई भी स्प्रे कर देंगे, या उसकी ऑडर जो उसकी बदबू है उसको दूर करने के लिए कोई आप उस पे रूम फ्रेशनर आप डाल देंगे, तो हो सकता है कुछ समय के लिए, हो सकता है कुछ समय के लिए वहां से स्मेल चली जाए, हो सकता है कुछ समय के लिए मक्खी मच्छर मर जाए। लेकिन अगर वो स्थिति अगर ऐसे ही बनी रहेगी तो कुछ दिनों बाद और ज्यादा स्मेल आएगी, और ज्यादा कीड़े मच्छर मकोड़े वहां पर पैदा होंगे, ऐसे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करने वाले जीवाणु उसमें उत्पन्न होंगे। आप बार बार उस पर स्प्रे करते रहें, बार बार उस पर कोई डिओड्रेंट डालते रहें, बार बार रूम फ्रेशनर डालते रहें, ऐसा कुछ करते रहेंगे तो आपको क्या लगता है, आप उस स्मेल को या उस जो वहां पे होने वाली बीमारी है या जो गंदी स्मेल आ रही है सब कुछ, उसको आप कितने दिनों तक ठीक कर सकते हैं? उसको लंबे समय तक आप दबा के नहीं रख सकते। उसका दूसरा तरीका ये है कि उस कूड़े को आप उठाएं, उसको किसी उसमें बांधे और अपने घर से बाहर फेंक दें, जहां कहीं पे कूड़ा फेंका जाए ऐसी जगह पे उसको ले जाके फेंक दें। उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो किचन है वो बड़ी साफ सुथरी लगेगी, आपका जो गंदी स्मेल थी वो चली जाएगी, आपके जो मच्छर पैदा हो रहे थे, मक्खियां पैदा हो रही थी, वो सब चले जाएंगे। तो ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया, आपने बीमारी पहले आप उसको ढकने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा छोटा सा तरीका आपने अपनाया कि उस कूड़े को उठा के घर से बाहर फेंक दिया, और आप पाएंगे कि आपकी किचन बिल्कुल साफ हो गई, वहां पे कोई स्मेल नहीं है, जो मच्छर मक्खी पैदा हो रहे थे वो अब बंद हो गए हैं। बहुत आसान सा तरीका था। इसी तरीके को बोलते हैं शोधन, ये है शोधन चिकित्सा आयुर्वेद में। पूरे आयुर्वेद में की अगर चिकित्सा प्रणाली को अगर दो भागों में दोस्तों बांटा जाए, आज बड़े ध्यान से समझना जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ चीजें हम स्लाइड के माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वास्तव में कैसे होता क्या। मैं आपको कुछ थ्योरीज आज समझाने वाला हूं, हेल्थ स्वस्थ रहने की क्या थ्योरीज है उसके ऊपर बात करेंगे, मोटापे को दूर करने की क्या थ्योरीज है, कुछ थ्योरीज है, अगर उनके ऊपर काम किया जाएगा तो आप बहुत आसानी से
बीमारियों को भी दूर कर पाएंगे, मोटापे को भी दूर कर पाएंगे, या अपने शरीर में होने वाली तमाम तरह की लगभग 90% बीमारियों का एक ही समाधान है और वो है शोधन चिकित्सा। पूरे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली को दो भागों में बांटा जाए तो आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली दो भागों में विभक्त है। पहला है शोधन चिकित्सा और दूसरा है शमन चिकित्सा। दोस्तों आयुर्वेद ये मानता है आपको होने वाली तमाम तरह की बीमारियां, आपको होने वाली तमाम तरह की बीमारियां, चाहे आपके घुटनों में दर्द है, चाहे आपको डायबिटीज है, चाहे आपको कैंसर है, चाहे आपको एसिडिटी है, चाहे आपको सोराइसिस है, चाहे आपको एलर्जी है, चाहे आपको दमा है, चाहे आपको नजला है, चाहे आपको पाइल्स है, तमाम तरह की आपको होने वाली तमाम तरह की बीमारियों को अगर मूल कारण पे बात किया जाए तो तीन तरह के दोष है वात पित्त कफ। पहले मैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बात करूं आपसे तो हमारे शरीर में तीन दोष है वात पित्त कफ, और ये वात पित्त कफ जब बैलेंस रहते हैं हमारे शरीर में तो आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, आप स्वस्थ रहते हैं। जब ये तीनों दोष बैलेंस्ड रहते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होती, आप स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब इनका जब ये अनबैलेंस हो जाते हैं, वात बढ़ गई तो वात से संबंधित बीमारियां जैसे कहीं पे भी दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, जो भी वात तजियादिया है, अगर वात बढ़ गई तो वात से संबंधित बीमारियां, अगर पित्त बढ़ गया तो पित्त से संबंधित बीमारियां, और कफ बढ़ गया तो कफ से संबंधित बीमारियां। जब ये दोष आपस में प्रकोपित हो जाते हैं, कोई दोष बढ़ गया कोई कम हो गया, तो इस तरीके से सारी बीमारियों की उत्पत्ति होती है। तो दोष जब अत्यधिक बढ़ जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं, तो बीमारियां होती, ये बीमारियों का मूल कारण है, मूल कारण है। तो अब इस मूल कारण को दूर करने के दो तरीके, क्या दो तरीके हैं? पहला तरीका ये है कि शोधन किया जाए और दूसरा तरीका है कि शमन किया जाए। आयुर्वेद में सबसे पहले एक ही बात का जिक्र किया गया कि सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चिकित्सा है वो है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा क्या है कि जो हमारे दोष है, जो हमारे शरीर में दोष बढ़ गए हैं, प्रकोपित हो गए हैं, उन दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, और उसके बाद अगर कुछ दोष रह गए हैं या कुछ बीमारी के कुछ अंश रह गए हैं तो उसको फिर दवाइयां देके उसका शमन किया जाए। तो ये दो तरीके हैं किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करने के, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। शोधन मतलब जैसे हमने अपनी किचन से कूड़े को उठा के बाहर फेंका और उसके बाद अगर थोड़ी बहुत गंदगी रह गई तो उसको हमने वहां से साफ कर दिया, उसमें आपकी स्मेल रह गई तो रूम फ्रेशनर डाल दिया, उसके बाद आपकी किचन बिल्कुल ओके हो गई। ऐसा ही शरीर के साथ होता है, ऐसा ही शरीर के साथ होता है। अगर जो बड़े हुए दोष है, जो प्रकोपित दोष है, उनको सबसे पहले शरीर से बाहर निकाल दिया जाए और फिर उसके बाद अगर कुछ दोष रह जाए तो उनका दवाइयों औषधियों के द्वारा उनका शमन कर दिया जाए। इस तरीके से आप किसी भी तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में शोधन के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और उन्हीं शोधन की जो तरीके हैं उनमें से एक तरीका है पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा जैसे आपका अपना हॉस्पिटल है वाइटल एक्स हॉस्पिटल, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, दूर दूर से पेशेंट आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, हर तरीके के पेशेंट आते हैं और यहाँ के वो स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, बहुत जल्दी उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। हम यहाँ दवाइयां कम इस्तेमाल करते हैं फिर भी पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, वो घर पे बहुत सारी दवाइयां खा रहा होता है फिर भी जल्दी ठीक नहीं होता। यहाँ पे बस हम एक ही काम करते हैं, उसके शरीर का शोधन करते हैं, उसका शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। यहाँ अलग अलग प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है और जैसे शरीर शुद्ध होता है ना दोस्तों, अपने आप बीमारी ठीक होने लगती है। शरीर में इतनी शक्ति है कि अपनी हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है। लेकिन आज हमारा शरीर इतना गंदा हो गया है, इतना गंदा हमारा शरीर हो गया है कि हम इसकी सफाई पे ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों अगर मैं बात करना चाहूं प्रकृति की, प्रकृति माँ ने ये हमारा शरीर हमें दिया है, ये एक भगवान का गिफ्ट है जो हमें दिया है। एक भगवान ने गिफ्ट दिया है, कुछ समय के लिए गिफ्ट दिया हमें, कुछ दिनों बाद ये शरीर हमारे पास से चला जाएगा। कुछ दिनों के लिए हमारी जो आत्मा है उसको रहने के लिए शरीर मिला है। जैसे होता है ना कोई मकान आपको मिल जाए रहने के लिए, आप इसमें रहो, अब निर्भर आप पे करता है उसका, आप उसको कैसे यूज करते हो। आप उसको सड़ा के रखते हो, कूड़ा कचाड़ा फैला के रखते हो, गंदगी रखते हो, या उसको साफ रखते हो। मां प्रकृति ने, भगवान ने ये शरीर हमें दिया है, कुछ समय के लिए गिफ्ट किया है, कुछ समय बाद ये शरीर चला जाएगा आपसे, हमसे चला जाएगा। तब तक के लिए जो गिफ्ट भगवान ने दिया है तो इसको साफ रखनी हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। मत गंदा रखो इस शरीर को। हम क्या करते हैं, आप सब लोग कैसे, आप बोलेंगे मैं तो बहुत सफाई रखता हूं, मैं तो बिल्कुल साफ रखता हूं, मैं रोजाना अच्छे शैंपू इस्तेमाल करता हूं, रोजाना साबुन से नहाता हूं, स्क्रब यूज करता हूं, मैं डेली मसल मसल के नहाता हूं, दिन में दो बार नहाता हूं, साबुन अच्छे अच्छे एलेक्स के अपना लेमन सोप से नहाता हूं, रोज सोप से नहाता हूं, मोगरा सोप से नहाता हूं, अच्छे अच्छे शैंपू है उनसे नहाता हूं, मैं इसको बिल्कुल गंदा नहीं रखता हूं, मैं इसको बहुत साफ रखता हूं। बिल्कुल रखते होगे, यकीनन दोस्तों रखते होगे। आप रोज शैंपू लगाते हैं, रोज साबुन इस्तेमाल करते हैं, रोज नहाते हैं, दिन में दो बार नहाते हैं, तीन बार नहाते हैं,
आप इस शरीर को रोज बाहर से साफ कर रहे हैं, क्या अंदर से सफाई के बारे में सोचा? जितना शरीर बाहर से गंदा होता है उसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि हम रोज खाना खाते हैं, रोज हम खाना खाते हैं, मुंह है हमारा रोज इससे खाना खाते हैं, डेली आप अपने दांतों को साफ करते हैं, समझना मेरी जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हम क्या करते हैं रोजाना हम अपने दांतों को साफ करते हैं। अगर दो चार दिन दांतों को साफ ना करें तो क्या हो जाएगा? दो चार दिन अगर दांतों को ब्रश ना करें, साफ ना करें तो क्या हो जाएगा दो चार दिन में? आप सब का एक ही जवाब होगा कि सर स्मेल आने लगेगी, बदबू आएगी, अच्छा फील नहीं होगा। अगर 10-15 दिन तक ना करें तो और ज्यादा सड़ जाएगा। अगर दो चार महीने ना करें तो फिर तो और भयंकर सड़ जाएगा अगर इसको साफ ना करेंगे तो। और दो चार 5 साल 10 साल तक ही साफ ना करें तो आप बोलेंगे सर सड़ जाएगा सब बुरा, सोच के भी गंदा लग रहा है। आप यहां से खाना खाते हैं और फिर इसको रोज साफ भी करते हैं, अगर इसको साफ नहीं करेंगे तो सड़ने लगेगा। क्यों सड़ने लगेगा? क्या आप कूड़ा खाते हैं, गंदी चीजें खाते हैं? नहीं, आप अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। फिर भी भाई ये तो यह हो कि हम गंदी चीज खा रहे हैं इसलिए सड़ जाएगा, नहीं हम गंदी चीजें नहीं खा रहे, आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं। आप फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, जो भी एक्स वाई जेड जो आप अपने घर में अच्छी से अच्छी चीजें खा रहे हैं, फिर भी बावजूद इसके अगर इसको साफ नहीं करेंगे तो दोस्तों ये सड़ने लगेगा। मुंह से खाना खाते हो, इसको रोज साफ कर लेते हो, जो खाना हमने खाया वो निकलता कहां से? हमारे मल द्वार से बाहर निकलता है, उसको भी रोज साफ कर लेते हैं। मुंह से खाना खाया इसका भी रोज ध्यान रखते हैं, इसको साफ करते हैं, नहीं तो सड़ जाएगा। और मल द्वार जहां से वो निकलता है खाना वेस्ट के रूप में, उसको भी रोज धो लेते हो। हमारे हिंदू, हमारे जो भारतीय, भारत में हमारा जो भारत का कल्चर है वो यही है कि हम धोते हैं, आप सब भी धोते होंगे, तो मुंह को भी रोज धो लेते हो और जहां से वो निकलता है मल उसको भी रोज धो लेते हो। लेकिन इस मुंह से लेकर और मल द्वार तक का जो बीच का जो एरिया है, क्या इसके बारे में सोचा कभी? क्या सोचा कि आपको, आपको क्या लगता है मुंह से लेके और मल द्वार तक का जो एरिया है वो लगभग कितना एरिया होगा? चलिए मैं आपको, आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाता हूं कि कैसे क्या, कैसे एरिया होता है या किस तरह का डिजाइन हमारे अंदर है और उसको क्यों, उसको साफ रखना जरूरी है। तो मैं एक स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज, ये मेरे को बड़ी अच्छी लगती है ये बात, महात्मा बुद्ध की एक लिखी हुई लाइन है, बड़ी मुझे, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये लाइन। क्या लाइन है? एवरी ह्यूमन बीइंग इज द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ और डिजीज। समझने की कोशिश करना दोस्तों, हर इंसान, हर आदमी अपनी खुद की हेल्थ या डिजीज का खुद ही ऑथर है। आप खुद लिखने वाले हैं, आप खुद ही लिखने वाले हैं कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे या आपकी कौन सी बीमारी होगी। बहुत अच्छी लाइन है ये, उन्होंने बिल्कुल स्टीक लाइन लिखी है कि हम अपनी बीमारी के या अपनी हेल्थ के खुद जिम्मेदार हैं। आप कितने हेल्दी रहेंगे आप खुद जिम्मेदार है, आपको कौन कौन सी बीमारियां होंगी आप खुद जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार है अपने हेल्थ के। तो अगर किसी को, अगर गैस है, एसिडिटी है, अगर किसी को घुटनों में दर्द है, अगर किसी को कमर में दर्द है तो कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी को डायबिटीज, आप खुद जिम्मेदार है। किसी को कैंसर हुआ तो आप खुद जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि आपने अपने इस शरीर को जो भगवान ने आपको दिया है, आपने इसको शुद्ध नहीं रखा, आपने इसकी सफाई नहीं की, इसलिए अगर आप अपने घर को साफ नहीं कर रखे उसमें बहुत तरह की बीमारियां, कीट पतंगे पैदा होंगे। उसी तरह शरीर को जब साफ नहीं करते तो बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। दोस्तों ये हमारा मुंह से लेके, जैसे मैंने बताया, एक सोसाइटी है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी ने पूरे विश्व में एक सर्वे किया और उस सर्वे में पाया कि ज्यादातर बीमारियों का कारण क्या है। तो उस सोसाइटी ने एक ही चीज पाई कि 85% बीमारियों का एक ही कारण है, और वो कारण क्या है? टॉक्सिक कोलोन। मुंह से लेके मल द्वार तक का जो एरिया है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारी आहार नली से लेके और मल द्वार तक का जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं कोलोन, टॉक्सिक कोलोन। इस कोलोन में जो, इस एरिया में जो गंदगी जमी है, वही हमारी 85% बीमारियों का कारण है। 85% बीमारियों का एक ही कारण है, मुंह से लेके मल द्वार तक का जो एरिया है। और आपको जान के अचंबा होगा कि ये एरिया लगभग 28 से 30 फीट एरिया है।
आप मुंह को रोज साफ कर लेते हैं जहां खाना अंदर जाता है, मल द्वार को भी रोज साफ कर लेते हैं जहां से बाहर निकलता है, लेकिन बीच का जो 28 से 30 फीट एरिया जिसको आप देख सकते हैं, ये हमारा स्टमक है, उसके बाद छोटी आंत है, उसके बाद बड़ी आंत है, और लास्ट में जाके वो मल द्वार पे खत्म हो जाती है, ये जो एरिया है क्या इसकी सफाई के बारे में आपने कभी सोचा? वही खाना अंदर भी जाता है, वही खाना अंदर भी लगा रह जाता है, हमने इसकी सफाई के बारे में कभी नहीं सोचा, और यही 85% बीमारियों का कारण है। मैं आज आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपकी हेल्थ का, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि आप कितनी लंबी उम्र तक जियोगे, समझना कितनी लंबी उम्र तक जियोगे ये निर्भर करता है कि आपकी आंतें कितनी साफ और स्वस्थ है, बस। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज उनको मिला था, उन्होंने बात बताई थी और ये बिल्कुल 100% सटीक बात है, आप कितनी लंबी उम्र तक जियोगे ये निर्भर करता है कि आपकी आंतें कितनी साफ और स्वस्थ हैं, बस। मैं आपको ये जो ये लाइन है इसके पीछे एक स्टोरी बताऊं आपको कि क्यों ये बात प्रासंगिक है। ये एक इंग्लैंड की एक चर्च है, एक बहुत फेमस चर्च है, बहुत पुरानी एक चर्च है इंग्लैंड की, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की, उसमें आप अगर कभी जाएंगे वहां पे तो बहुत सारे बड़े बड़े फेमस, चाहे वो कवि हो या राजनेता हो, बहुत सारे लोगों की वहां पर कब्र उसके अंदर, उस चर्च के अंदर है, और उन्हीं कब्र के अंदर एक और कब्र है, एक छोटी सी कब्र है, एक आदमी की है जिसका नाम था थॉमस पर। थॉमस पर नाम का एक आदमी था, और उसके बारे में अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, थॉमस पर जिसको ओल्ड टॉम के नाम से भी जानते थे, थॉमस पर क्या था, थॉमस पर के बारे में कहा गया कि आज तक का सबसे लंबी उम्र का जीने वाला इंसान था। जिस समय उसकी वो कब्र वहां पर बनाई गई उस समय उसकी उम्र थी 152 साल, 152 ईयर्स। 152 साल का व्यक्ति की कब्र आज भी वहां पर मौजूद है, और उसके बारे में अगर आप जानकारी जुटाएंगे थॉमस पर के बारे में, तो आपको पता चलेगा जब थॉमस पर जीवित थे वो 152 साल तक बिल्कुल 100% स्वस्थ जीवन होके वो एक्सपायर हुए, और उसके बाद जब उनका वहां के डॉक्टरों ने रिसर्च की कि यार 152 साल उम्र हो गई और ये क्यों इतने साल तक स्वस्थ रहे, और 152 साल में भी आपको जान के आश्चर्य होगा 80 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली शादी की थी, 80 साल की उम्र में, सोचो आप, 130 साल की उम्र में उनको पुत्र हुआ था, सोचो आप। जब उनका मरण, उनके मृत्यु उपरांत जब उनके शरीर की जांच की गई कि यार इतनी लंबी उम्र, इतना स्वस्थ और इतना ऊर्जावान जिंदगी जी उन्होंने, पूरी जिंदगी उन्होंने, ऐसा नहीं कि जिंदगी पड़े हैं बेड पे पड़े हैं निकल गए 152 साल, नहीं, पूरी ऊर्जावान जिंदगी जी उन्होंने, आखिर तक एक्टिव रहे वो, और जब मरने के पश्चात जब उनका उनके शरीर की जांच की गई तो एक ही बात पाई गई कि उनकी जो आंतें थी जब जांच की गई तो बिल्कुल इतनी साफ, इतनी सुथरी उनकी आंतें थी जैसे कि एक बच्चे की होती, और यही उनकी लंबी उम्र का राज था। तो दोस्तों आप कितनी लंबी उम्र जियोगे, फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, आप कितनी लंबी उम्र तक जियोगे ये निर्भर करता है कि आपकी आंतें कितनी साफ और कितनी स्वस्थ है, बस इस पर निर्भर करता है। अब आप खुद कल्पना करो, मैं आज आपको अभी दिखा नहीं सकता, अगर आपको लगता है कि मेरी आंतें साफ होंगी तो आप अपने अंदर एंडोस्कोपी अगर कराएंगे या कोलोनोस्कोपी कराएंगे तो आपके अंदर डाल के देख लेना, कैमरा डाल के देख लेना, आपकी आंतें बहुत गंदी है। मैंने ऐसे हजारों पेशेंट्स की एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी देखी है, किसी को डायबिटीज था, किसी को थायराइड था, किसी को कुछ था, जब उनकी एंडोस्कोपी अंदर करके देखते तो उनकी आंतें बिल्कुल सड़ रही होती है। आप सोच के देखो, आप 2-4-5 दिन मुंह को साफ नहीं करते हो, जहां से खाना अंदर जाता है तो सड़ने लगेगा, और इतने सालों से आपकी उम्र 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है, 55 साल, 80 साल है, 80-100 साल है, आपने आज तक कभी अपनी अंदर आंखों पर ब्रश नहीं की, तो सोचो आपकी आंखों की क्या हालत हो रही होगी। तो दोस्तों केवल और केवल निर्भर करता है, आप भी 100 साल तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, आप भी जवानी का जीवन जी सकते हैं, बस निर्भर एक बात करेगा, मैं फिर इसी बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इसको सीरियसली लें कि आपकी जो आपकी आंतें हैं, जो आपका कोलोन है वो कितना साफ है, वो निर्भर करेगा कि आपको क्या आपकी आपको क्या बीमारी होने वाली है या आप कितने लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीने वाले हैं। 85% बीमारियों का एक ही कारण है कि आपका टॉक्सिक कोलोन, जो आपकी आंतें हैं वो आपकी आंतें साफ नहीं है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो साफ नहीं है, उसको साफ कर देंगे तो 85% बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी।
आज हम बात करते हैं बहुत सारी जो बीमारियां आपको परेशान करती हैं, चाहे वो बीपी है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो गठिया है, चाहे वो कैंसर है, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी बीमारियां, इन सारी बीमारियों को बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज नाम से ही आप समझने की कोशिश करना दोस्तों, लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज मतलब वो बीमारियां जो आपके लाइफस्टाइल की वजह से उत्पन्न होती है। आज बीपी का इलाज नहीं है, शुगर का इलाज नहीं है, गठिया का इलाज नहीं है, थायराइड का इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं है, ऐसे इन तमाम तरह की किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो एक ही जवाब मिलता है कि सर ये ठीक नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती, दवाइयां खाओ, दवाइयां खाओ, दवाइयां खाओ, दवाइयां खाओ, दवाइयां खाओ, दवाइयां खा रहे हो। आज करोड़ों हमारे भारतीय लोग ऐसे हैं जो रोज किसी ना किसी चीज की दवाई खा रहे हैं, कोई गैस की गोली खा रहा है, कोई बीपी की गोली खा रहा है, कोई थायराइड की गोली खा रहा है, कोई शुगर की गोली खा रहा है, कोई हार्ट की गोली खा रहा है, कोई किडनी की गोली खा रहा है। करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोज गोलियां खाने पर मजबूर है। कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि दवाइयां कैसे छूट सकती हैं, कोई नहीं बताएगा आपको। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि अगर ये बता दिया तो गोलियां खाना बंद हो जाएगा और रोज का जो करोड़ों रुपए का व्यापार है गोलियां बनाने वाली कंपनियों का व्यापार बंद हो जाएगा, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। कोई नहीं बताएगा आपको कि गोलियां बंद करनी है, कैसे बंद होंगी, रोज गैस की गोलियां खाने मजबूर है, 8 साल हो गए गैस की गोली खा रहा हूं, 10 साल हो गए गैस की गोलियां खा रहा हूं, 10 साल हो गए शुगर की दवाइयां खा रहा हूं, गोलियां खा रहे हैं सब। ये सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, नाम से ही पता चल रहा है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जैसा आप देख सकते हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एलर्जीज हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्मोन इम्बैलेंस हो, चाहे क्रोनिक फटीग हो, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखने की समझने की कोशिश करें। ये एक हरा भरा पेड़ है, बीमारियों का पेड़ है। और बीमारी की जड़ क्या है? बीमारी की जड़ है पुअर डाइजेशन, टॉक्सिंस, पुअर डाइट, स्ट्रेस, पुअर रिलेशनशिप, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, टॉक्सिक थॉट। ये सारे रूट कॉज है इन बीमारियों की, रूट कॉज है। और हम इलाज क्या कर रहे हैं? हम इलाज कर रहे हैं गोलियां खा रहे हैं। आपके लाइफस्टाइल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं ये, और हमारा दुर्भाग्य कि इनको हम दवाइयों से ठीक करना चाह रहे हैं, कभी नहीं हो सकती। काटते रहो इन डालियों के ऊपर से, जितनी काटोगे उतनी और बढ़ेगी, जितनी काटोगे उतना और बढ़ेगी। काटना है तो इसकी जड़ें काटो, ये पेड़ पूरा सूख जाएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इन तमाम तरह की बीमारियों को ठीक करना, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा आज रीजन है इन सारी बीमारियों का, वो एक ही है, मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा। एक ही रीजन है कि आज जो हमारा शरीर है ना, हम है, हम एक ओवरलोड से गुजर रहे हैं, और वो ओवरलोड है टॉक्सिन्स का। ओवरलोड, कचरा भरा है हमारे अंदर। उस कचरे को सबसे पहले साफ करो। कचरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप दवाइयां खाते जा रहे हैं और ज्यादा कचरा। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कचरा आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। ये सिचुएशन आज हमारी है, मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या, बीमारियों का बोझ जो है ना। आप ये जो गोलियां खा रहे हो ना, रोज रोज जो गोलियां खा रहे हो, कुछ नहीं है, वो टॉक्सिन्स के रूप में आपके अंदर और जमती जा रही है। खा रहे हो शुगर की दवाइयां, खा रहे हो गैस की गोलियां, ये सब और ज्यादा टॉक्सिन्स का काम कर रहे हैं। क्या है टॉक्सिन्स? मैं आपको बताऊं टॉक्सिन्स क्या है। एक ये टॉक्सिक बकेट थ्योरी आपको बता दूं, ये एक थ्योरी है। क्या थ्योरी है? आप देखें कोई भी बीमारी एक्स वाई जेड, कोई भी बीमारी एक्स वाई जेड डिजीज, कोई भी जिसको हम डिजीज का नाम दे सकते हैं, उसकी एक थ्योरी है जिसका नाम है टॉक्सिक बकेट थ्योरी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। क्या ये थ्योरी? आप देख सकते हैं ये पहली पिक्चर, हमारा हेल्दी है, हमारे अंदर थोड़े बहुत टॉक्सिन्स है, इतने सब के अंदर होते हैं। ये आप हेल्दी है, जैसे जैसे टॉक्सिन्स, ये कचरा टॉक्सिन्स आपके अंदर बढ़ते जाते हैं, आपकी बीमारी बढ़नी शुरू होती है, बिल्डिंग डिजीज। अभी तक आपको पता नहीं है बीमारी का, जब ये कचरा इस तरह बढ़ रहा होता है तब तक आपकी बीमारी अभी पता नहीं चला, अभी आपको कोई समस्या नहीं है। तीसरी कंडीशन में देखिए, जब आपकी बकेट फुल हो गई, जब आपकी बकेट इन टॉक्सिन्स से फुल हो गई है, तब जाके आपकी बीमारी डायग्नोज होती है इस कंडीशन पे जाके। Is your bucket overflowing? Chronic stress, processed food, overuse of antibiotics, pathogens, environmental toxins, frequent use of painkillers, इनको nasets बोलते हैं, food sensitivities, ये सब जो भी चीज है ना, ये आपके अंदर जाती जा रही है, आपकी बकेट को फुल कर रही है। और जिस दिन आप इस कंडीशन में पहुंचेंगे, आपकी बकेट फुल हो जाएगी, उस दिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको डायग्नोज करेगा कि तेरे को शुगर है, तेरे को बीपी है, तेरे को थायराइड है, तेरे को गठिया है, तेरे को माइग्रेन है, तेरे को एक्स वाई जेड है, कुछ भी। ये जब जिस दिन बकेट फुल हो जाएगी, उस दिन आपकी बीमारी डायग्नोज हो जाएगी। ये थ्योरी है जिसको बोलते हैं टॉक्सिक बकेट थ्योरी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। आपकी बकेट फुल हो रही है रोज रोज, आप कुछ, आप क्या है टॉक्सिन्स, किस चीज से फुल हो रही है, मैं वो आगे आपसे वो भी शेयर करना चाहूंगा। क्या है टॉक्सिन्स? व्हाट आर द टॉक्सिन्स? किस चीज से आपकी बकेट फुल हो रही है? तीन तरीके से टॉक्सिन्स आपके अंदर जा सकते हैं। पहला इंजेक्शन, खाने से, आपके मुंह के द्वारा आप खाने से टॉक्सिन्स अंदर जा सकते हैं। दूसरा इनहेलेशन, सूंघ के आपके अंदर टॉक्सिन्स जा सकते हैं। तीसरा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्किन के थ्रू भी टॉक्सिन्स अंदर जा सकते हैं।
आप कोई फ्रूट्स खा रहे हैं उसमें केमिकल्स हैं, वो आपके टॉक्सिन्स हो सकते हैं। आज हर व्यक्ति प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहा है, बीपी है उसमें, वो आपके टॉक्सिन्स है। पोल्यूशन, आपके धूल धुआं मिट्टी इतना पोल्यूशन है, वो आपके टॉक्सिन्स है। आप जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट या होम केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे जो केमिकल वाली चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब टॉक्सिन्स है। ये सारे वो टॉक्सिन्स हैं, चाहे वो प्लास्टिक बोटल्स हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, चाहे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो फूड एडिटिव्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं हो, टोबैको हो, स्मैक, ये सारी चीजें। कई लोग बोलते हैं मैं कोई टॉक्सिक चीजें नहीं है। अगर आप कोई भी एक्सवाइजेड, आप पोल्यूशन में रहते हैं, आप टोबैको स्मोक करते हैं, आप एल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें ये है टॉक्सिन्स। ये है वो कचरा जो आपके अंदर जमता जा रहा है। और होता क्या है, जो मैंने बताया आपको, बकेट टॉक्सिक लोड जो आपकी बकेट पे है वो धीरे 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 आपकी बकेट भरती जाती है। कुछ हैवी मेटल्स है, कुछ टॉक्सिक होम्स है, कुछ टॉक्सिक फूड्स है। और होता क्या है, समझने की कोशिश करना इस सिद्धांत को, टॉक्सिक लोड ऑफ बॉडी क्या है। इसमें होम एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, टॉक्सिक एनवायरमेंट हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग आल्सो ए टॉक्सिक लोड आपके शरीर पे। जब आप बुरे विचार, आप कोशिश देखना, जब भी आपको कभी बुरे विचार आएंगे, नेगेटिव थिंकिंग आएगी, आपको शरीर एकदम थका थका, आपका शरीर ऐसा हो जाएगा जैसे बहुत लोड पड़ गया, शरीर टूट जाता है। टॉक्सिक लोड बढ़ रहा है आपके शरीर पे, टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप्स आपके शरीर को, आपके शरीर के टॉक्सिक लोड को बढ़ाते हैं, या कोई करंट या पास्ट कोई ट्रोमा है वो आपके टॉक्सिक लोड को बढ़ाता है। बकेट ओवरफ्लो जब ओवरफ्लो होने लगती है, तब आपको टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आने लगते हैं। इस पॉइंट पे जाके, एट दिस पॉइंट मोस्ट पेशेंट सी ए डॉक्टर। इस जब ये ओवरफ्लो हो जाती है, तब जाके आप डॉक्टर के पास संपर्क करते हैं, और उस समय डॉक्टर क्या करता है, आपको मेडिकेशन दवाइयां शुरू करता है, और वो दवाइयां आप इस बकेट में डालना शुरू करते हैं। पहले से ही ये ओवरफ्लो है, सबसे ऊपर आप देखें मेडिकेशन है वो इसको ओवरफ्लो कर रही है, पहले से ही टॉक्सिक लोड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोड है, ऊपर से और दवाइयां डालना शुरू कर देते हैं। शुगर पहले डायग्नोज हुई और डॉक्टर के पास गए, उसने और दवाइयां देना शुरू कर दी, आपकी टॉक्सिक लोड और बढ़ती जाएगी, आपकी बकेट बढ़ती जाएगी, और आपकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। ये है सिद्धांत, ये है बीमारियों का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं टॉक्सिक लोड, शरीर का टॉक्सिक लोड कितना है, या शरीर का जो टॉक्सिक बकेट का जो सिद्धांत है वो ये सिद्धांत है। इसका सबसे ओवरफ्लो करने का मेन रीजन है मेडिकेशन। थोड़ा बहुत खाली था तो दवाइयों से पूरा हो गया, डॉक्टर ने जाके दवाइयां देना शुरू कर दी, और आप लाइफ टाइम के लिए आप इसमें दवाइयां डालते रहेंगे, ये ओवरफ्लो होती रहेगी, बकेट में दवाइयां डालते रहेंगे, और आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं होने वाली। ये टॉक्सिन्स कचरा है। इसके बाद एक और चीज पे आगे चलते हैं, उसके बारे में, ये जो भी तमाम तरह की, चाहे वो थायराइड है किसी को, चाहे किसी को थायराइड है, आप गोलियां खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे, क्यों ठीक होंगे, आपकी बकेट तो फुल भरी है टॉक्सिक से, कचरे से भरी है, कभी साफ किया उसको, किचन में वही बताया कि ये कचरा भरा पड़ा है, इसके ऊपर कुछ छिड़कते रहो, कुछ दवाइयां डालते रहो, कभी ठीक नहीं होने वाला। ठीक करने का सिद्धांत है कि इस बकेट को खाली कर दो, फिर देखना आप कितनी जल्दी आपकी बीमारी ठीक होती। दोस्तों, अगर आपको ठीक होना है, आपको बीमारी को परमानेंट खत्म करना है, तो एक ही तरीका है कि हमें इस जो बाल्टी भर गई है आपकी, ओवरलोड होगी, इसको हमें खाली करना होगा। अब बात करते हैं एक और चीज की, जो एक बड़ा गंभीर समस्या है, आप लोग बड़े परेशान होते हैं, उसकी भी आपको एक सिद्धांत आज आपको बता दूं, वो भी इसी से संबंधित सिद्धांत, इसीलिए आपको बता दूं, ऑल अबाउट ओबेसिटी, मोटापा। आज हर व्यक्ति बहुत बड़ा, हमारा देश मोटा हो रहा है, एक तरफ हमारा देश मोटा हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा देश भूखमरी का शिकार हो रहा है, माल न्यूट्रिशन यहाँ पे हो रहा है, और साथ ही साथ मोटापा भी बढ़ रहा है। दोनों कंट्रावर्सी है, आप सर्वे निकालेंगे, अगली बार आपको पूरा डाटा दिखाऊंगा। हमारा देश मोटापे में ऊपर बढ़ रहा है, न्यूट्रिशन में नीचे घट रहा है। सोचो आप, एक तो मोटापा है कि हम खाना अच्छा खा रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन, हम मोटे हो रहे हैं, नहीं, हम मोटे हो रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशन में नीचे गिरते जा रहे हैं। न्यूट्रिशन के मामले में हम देश के, पूरे वर्ल्ड के सबसे गरीब से गरीब, जो घाना और घाना जैसी कंट्रीज, उससे भी नीचे जाते जा रहे हैं, और मोटापे में हम सबसे ऊंचाइयों पे जाते जा रहे हैं, नंबर वन आते जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों ये मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्यों लोग परेशान हैं, मोटापा कम नहीं हो रहा है, तो इसकी एक आपको एक थ्योरी समझा दूं आज, क्या है मोटापा और इसको कैसे आसानी से दूर किया जा सकता है। देखिए, किसी से भी पूछूं कि मोटापा कम करने का सबसे पहला सिद्धांत, किसी के पास जाएंगे सब एक बात बोलते हैं, डाइटिंग करो, डाइटिंग इज द बेस्ट। कितनी कैलोरी आप अंदर ले रहे हो, कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो, ये सिद्धांत है मोटापे का। लेकिन आज आपको एक और चीज क्लियर कर दूं,
ओबेसिटी का जो मेन फैक्ट है, क्या है ओबेसिटी, क्यों है ये मोटापा, क्यों फैट सेल बनती है, तो उसका बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना है। थ्योरी आपसे क्लियर करना चाहूंगा, आपसे शेयर करना चाहूंगा। डिटॉक्सिफिकेशन बेटर देन ए डाइट, समझने की कोशिश करना, जो मैं पढ़ रहा हूं उसको सुनने की कोशिश करना। फैट इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द टॉक्सिन्स एंड इम्प्योरिटीज विच क्रिएट अनवांटेड वेट। ये है सिद्धांत। जो हमारी फैट सेल्स हैं वो क्यों क्रिएट होती हैं? भगवान ने शरीर बड़ा पावरफुल बनाया है, बुलेट प्रूफ बनाया है, हर बीमारी से बचने की क्षमता इसके अंदर बनाई है, हर बीमारी से लड़ने की क्षमता भगवान ने हमें दी है। फैट क्यों जनरेट होती है? आपके शरीर को टॉक्सिन्स और कचरे से बचाने के लिए फैट सेल्स का निर्माण होता है। अब आप पहली, ये तीन पिक्चर है, पहली पिक्चर में देखें एक आदमी मोटा है, उसके अंदर बहुत सारे कचरे हैं, टॉक्सिन्स है। अब उन टॉक्सिन से बचने के लिए इसके अंदर फैट सेल्स बनी, अब आपने डाइटिंग शुरू कर दी। मोटापे व्यक्ति के लिए, मोटे व्यक्ति के लिए यही चीजें सिद्धांत है कि आप कैलोरी कम खाओ, चीजें तली भुनी चीजें कम खाना शुरू कर दो, या बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन डाइटिंग जब आप करते हैं या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आप शुरू करते हैं, तब क्या होता क्या है, आपका जो शरीर है, शरीर जो आपका पतला, मेरी बात समझने की कोशिश करना, आप इतने मोटे हैं और जब आपने एक्सरसाइज शुरू की, डाइटिंग शुरू की, आप इतने हो गए। आपके अंदर पहले इतना शरीर था, उसमें मान लो, उसमें मैं गिनती मार रहा हूं, फॉर एग्जांपल नहीं, मान लो एक 10x10 का कमरा है और उसमें 100 टॉक्सिन्स है, 10x10 का कमरा है उसके अंदर 100 टॉक्सिन्स है, तो टॉक्सिन्स आराम से पूरे कमरे में बिखरे हुए हैं। अब उस कमरे का साइज आपने आधा कर दिया, 10x10 की जगह 5x5 का कमरा कर दिया, टॉक्सिन्स वही 100 है, तो टॉक्सिन्स की जो डेंसिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी या घटेगी? टॉक्सिक डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? टॉक्सिन सोई है, कमरे का साइज 10x10 से 5x5 का कर दिया, तो क्या होगा? टॉक्सिन्स जो ओवरलोड है वो शरीर में और ज्यादा बढ़ गया, टॉक्सिन्स की जो डेंसिटी है और ज्यादा बढ़ गई। अब सोचो टॉक्सिन्स की डेंसिटी बढ़ गई तो शरीर क्या करेगा? उन टॉक्सिन से बचाने के लिए और ज्यादा फैट सेल का जनरेशन करेगा, और जैसे ही आप डाइटिंग बंद करेंगे या नॉर्मल खाने पे आएंगे, आपका शरीर और दुगनी तेजी से मोटापे की तरफ बढ़ेगा, और ये रिबाउंडिंग हो जाएगी। द टॉक्सिक ओवरलोड ट्रिगर द बॉडीज नीड टू क्रिएट फैट, वेट इज रीगेन। आप देखें दोबारा से ऐसे ही सेल, आप इस चक्कर में फंसते रहेंगे। आप डाइटिंग करेंगे, आपका वजन हो सकता है कम हो जाए, लेकिन जैसे ही आप दोबारा से नॉर्मल डाइट पाएंगे, आपका वजन दोबारा से बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। अगर अब आपको सिद्धांत समझ में आ गया होगा, क्यों मोटापा है? कचरे की वजह से मोटापा है। उस कचरे से शरीर को बचाने के लिए, उन इंप्योरिटीज से शरीर को बचाने के लिए भगवान ने फैट सेल्स का जनरेशन किया है। अगर आप चाहते हैं कि फैट सेल्स ना बने, उसका डिजनरेशन ना हो, तो उस कचरे को निकालना पड़ेगा। और तीसरी पिक्चर की तरफ आप जाएं, द ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, क्रिएट लीन मसल एंड रिलैक्स, रिलीज एक्सेस फैट। आपकी जो सारी फैट है वो अपने आप दूर हो जाएगी, बस इस कचरे को अंदर से निकाल दो। 10x10 का ही कमरा है, लेकिन कचरे को निकाल दिया तो कमरे का साइज अपने आप छोटा होता चला जाएगा, वो जो फालतू चर्बी है अपने आप कम होती चली जाएगी, कुछ नहीं करता है। ये है थ्योरी मोटापे की। आज से पहले आप क्या करते आए थे मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद अगर किसी के आपको वजन कम करना, एक्सेस चर्बी है, तो कुछ नहीं करना, अंदर झाड़ू मार दो, बस एक बार झाड़ू मार दोगे अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। आप देखें, अगर फिर से अगर उसको समझने की कोशिश करें, ये एक महिला दिखाई गई है, इसके अंदर आपका जो इतना वजन है, इतना शरीर है, इसके अंदर इतने टॉक्सिन्स है, और जैसे इसने अपना वजन कम किया डाइटिंग की, वो जो टॉक्सिन्स थे वो उतने ही है, लेकिन शरीर कमजोर हो गया, जिससे टॉक्सिन्स का ओवरलोड बढ़ गया, और दोबारा से इसने किया, बॉडी दोबारा से इम्प्योरिटीज की तरफ रिएक्ट करेगी और दोबारा से इसकी फैट सेल्स बढ़ेंगी और बहुत पहले से भी ज्यादा मोटापा इसको आ जाएगा। दूसरा मेथड है क्लींजिंग, कि ये इतनी मोटी थी, इसने अपने आप को क्लींज किया तो टॉक्सिन्स कम हो गए, ओवरलोड कम हुआ, और इसको दोबारा रिबाउंडिंग नहीं हुआ और नीट एंड क्लीन इसका शरीर हो गया। यही हो सकता है आपके साथ, आप भी ऐसा शरीर पा सकते हैं, आप भी फिट रह सकते हैं, आप भी अपने आप के कचरे को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, अगर आप ओबेसिटी से परेशान हैं, आप मोटापे से परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे उपाय करने के बाद, बहुत सारी हैवी एक्सरसाइज करने के बावजूद आपका मोटापा कम नहीं हो रहा, आप डाइटिंग कर करके परेशान हो गए, तो इन सारी चीजों को एक बार साइड में रख के एक बार अंदर झाड़ू मार दीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन कर दीजिए, आपका मोटापा भी कम हो जाएगा, आपकी फालतू जो चर्बी है, इंप्योरिटीज है, वो भी सब दूर हो जाएंगी। और दूसरी चीज, कई लोग अब दिमाग में एक ही बात आएगी कि क्या जो मोटे लोग हैं उनको ही डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए? नहीं,
मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, आपके घर में कुछ लोग बिल्कुल दुबले पतले से हैं, वजन ही नहीं बढ़ रहा है, बहुत खाते हैं, बहुत प्रोटीन खाते हैं, बनाना शेक पीते हैं, प्रोटीन खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, बस कारण है कि सर मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, दुबले पतले से। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि आपकी जो अंदर आते हैं, जब मैं आपको कैमरा डाल के अगर दिखाऊंगा तो आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे क्या हालत है हमारे शरीर की। आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी अच्छी चीजें खा रहे हैं, अगर आपकी आंतें क्लीन नहीं है, अगर आपकी आंतें क्लीन नहीं है तो आप कुछ भी खाएंगे वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वो अंदर। आपके आंतों में अंदर एक लेयर, आपकी जो आंतें हैं उनके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको विलाइज बोलते हैं, आप जो भी खाते हैं विलाइज में जाता है, वहां से एब्जॉर्ब हो जाता है सारी चीजें, लेकिन आपने अंदर कभी साफ ही नहीं किया, अंदर इतने कचरा जमा है। आपको एंडोस्कोपी डाल के दिखाऊंगा तो अंदर पता चलेगा पूरी गंदगी जमा है अंदर, कभी ब्रश तो की नहीं अंदर की। तो जो भी आप खाते हैं, अच्छी से अच्छी चीजें खाते हैं, आप प्रोटीन खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो आपके अंदर जाता है, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, इसीलिए आप दुबले पतले हैं, आप सब कुछ खा रहे, वेस्ट कर रहे हैं आप। अगर आप दुबले पतले हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन बढ़े, आपके आपका आपका स्किन पे ग्लो नहीं है, आप खा रहे हैं बस कमजोर है, पूरे सब कुछ अच्छे से अच्छा, बादाम खा रहे हैं जी, मैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, काजू खाता हूँ, पिस्ता खाता हूँ, प्रोटीन खाता हूँ, बनाना खाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, लेकिन शरीर पर लगता ही नहीं है वो, इसीलिए नहीं लग रहा कि अंदर कचरा जमा है, अंदर कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो उस कचरे को निकालिए दोस्तों। तो अगर आप दुबले पतले हैं तो भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, अगर आप मोटे हैं तो 100% आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, अगर आप बीमार हैं तो भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, अगर आप बीमार नहीं है तो भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। तो इट्स टाइम टू डिटॉक्स दोस्तों। जैसे आप अपनी गाड़ी या बाइक की सर्विस कराते हैं, टाइमली सर्विस कराते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, कुछ किलोमीटर ऊपर चल जाए तो बड़ा टेंशन हो जाता है, अगर अपनी गाड़ी या बाइक की सर्विस नहीं कराते तो क्या होता है, उसमें कभी कुछ दिक्कतें आती हैं, कभी कुछ दिक्कतें आई, कभी ब्रेक नहीं लगेगा, कभी आवाज आएगी, कभी कुछ होगा, वैसा ही शरीर के साथ होता है। जब आप इसी सर्विस नहीं कराते, इसका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो कभी गैस बनेगी, कभी एसिडिटी बनेगी, कभी सिर में दर्द होगा, कभी थकान होगी, फिर भी आपने इसकी सर्विस नहीं कराई तो कभी घुटनों में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, फिर भी अगर सर्विस नहीं कराई तो गठिया हो जाएगा, माइग्रेन होने लग जाएगा, कैंसर हो जाएगा, अगर फिर भी सर्विस नहीं कराओगे तो किसी दिन इंजन सीज हो जाएगा, टॉक्सिक ओवरलोड बढ़ता जाएगा। आप दवाइयां खा रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, साला पहले ही अंदर बकेट फुल भरा है, ऊपर से और दवाइयां खाते जा रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो संपूर्ण स्वास्थ्य चाहते हो, आप चाहते हो मैं भी फिट रहूं, लीन एंड क्लीन रहूं, बिल्कुल मेरी फिट बॉडी रहे, मेरे अंदर कोई बीमारी ना रहे, तो पहले एक बार झाड़ू मार दो गंदगी पे। कोई चीज, आपका घर गंदा पड़ा है, आप कितना भी अच्छा पेंटिंग कर लेना, कुछ कर लेना, अच्छा नहीं हो सकता। ये शरीर भी आपका घर है जो भगवान ने आपको दिया, एक बार इसको साफ करो। रोज बाहर से नहाते हो, एक बार अंदर से भी नहा लो यार। तो डिटॉक्सिफिकेशन करना है, इट्स टाइम टू डिटॉक्स। आपको अपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करना है, और डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए देखिए, हमारे यहां पर इस तरह का कल्चर नहीं कि हम डिटॉक्सिफिकेशन करें, लेकिन विदेशों में लोग समय समय पे अपना डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं। मैं बहुत सारी कंट्रीज में गया हूं, 10 से 12 कंट्रीज में गया हूं, मैंने वहां देखा कि लोग जगह जगह पे डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर खुले हुए हैं, लोग जाते हैं अपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो बस खाते और गाड़ी चलाते रहते हैं, खाते और गाड़ी चलाते रहते हैं, खाया डीजल पेट्रोल डाला और चलाया, डीजल पेट्रोल डाला और चलाया, डाला और चलाया, डाला और चलाया। दोस्तों, मां प्रकृति ने ये शरीर हमें क्या खाने के लिए दिया था, हम क्या खा रहे, आप कल्पना करें, अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल की है और उसमें डीजल डाल देंगे, कितने दिनों तक चलेगी? क्या चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। मट्टी तेल डाल दो, कैरोसिन डाल दो, चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। ऐसे ही हमारे शरीर के साथ है, हमारे शरीर माँ प्रकृति ने, अगर आप चाहते हैं तो दो चीजें आपको करनी पड़ेंगी, पहले चीज शरीर की सफाई करनी पड़ेगी, और दूसरा जो जिन चीजों के लिए शरीर बना है वो दो इसको। हमारा शरीर बना तो है फ्रूट्स खाने के लिए, वेजिटेबल्स खाने के लिए, हरी सब्जियां खाने के लिए, अनाज खाने के लिए, और हम डाल इसमें क्या रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, चाउमीन, फलाना, दिमका, ये सब कुछ, इनके लिए शरीर नहीं बना था। हमारा शरीर डिजाइन हुआ था प्राकृतिक चीजों को खाने के लिए, जो प्रकृति में उत्पन्न होती उन चीजों को खाने के लिए, लेकिन हम इसमें डालते गलत चीजें, और वही सारी चीजें हमारे अंदर जाके हमारे कचरे का काम करती है, टॉक्सिन्स है, हम उनको साफ करने की बजाय दिन पे दिन और ज्यादा खाते जा रहे हैं, और जब वो बाल्टी भर जाती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसमें और उसमें जले पे नमक का काम कर देते हैं, और आपको दवाई शुरू कर देते हैं, थोड़ी बहुत बकेट खा ली थी उसको और भर देते हैं, और आप हो जाते हो परमानेंट बीमार, और अब जिंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, हर उस व्यक्ति को
जो चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, हर उस व्यक्ति को जिसको गैस एसिडिटी है, हर उस व्यक्ति को जिसको माइग्रेन है, हर उस व्यक्ति को जिसको डायबिटीज है, हर उस व्यक्ति को जिसके ज्वाइंट्स में पेन है, हर उस व्यक्ति को जिसको पाइल्स है, हर उस व्यक्ति को जिसको सोराइसिस है, हर उस व्यक्ति को जिसको दमा है, हर उस व्यक्ति को जिसको नजला है, हर उस व्यक्ति को जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, हर उस व्यक्ति को जो चाहता है कि मैं 100 साल तक स्वस्थ रहूं, हर उस व्यक्ति को, हर उस महिला को जो चाहती है उसकी स्किन ग्लो करती रहे, उसकी स्किन चमकती रहे, कोई बाहर से फेशियल कराते रहते हो यार, अंदर से चाहिए इसको। आप सोचो कोई एक गिलास है उसके अंदर गंदगी लगी, कांच का गिलास, आप उसको बाहर से रोज साफ कर रहे हो, रोज साफ कर रहे हो, रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हो, साफ नहीं हो रहा है। क्यों साफ नहीं हो रहा है? तो गंदगी तो अंदर है ना, रगड़ रहे हो बाहर से। उसी तरह शरीर अंदर से गंदा है, बाहर से चमकाने से कुछ नहीं होगा। रोज बाहर स्किन पर अच्छा सा स्क्रब लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, अच्छी बात है। आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो, एलेक्स के प्रोडक्ट बेहतरीन है, अच्छे हैं, आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अकेले उनसे बात नहीं बनने वाली। पहले अंदर से क्लीन करो, जैसे ही ग्लास को अंदर से क्लीन करोगे एकदम चमकदार ग्लास आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हर उस व्यक्ति को जो चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरे 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 को किसी तरह की बीमारी ना हो, मैं 100 साल तक सतायु हूं। आयुर्वेद का उद्देश्य यही है कि आदमी स्वस्थ रहे और सतायु रहे, 100 साल तक स्वस्थ रहे, टारगेट है आयुर्वेद का। एलोपैथी का ऐसा कोई टारगेट नहीं है, एलोपैथी का एक ही टारगेट है, दवाई खिलाओ दवाई खिलाओ दवाई खिलाओ दवाई खिलाओ दवाई खिलाओ दवाई खिलाओ। और हमारा उद्देश्य क्या है? सतायु हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ स्वस्थ से स्वास्थ्यम रक्षणम आतुरस्य विकार परस्मनम च, ये हमारा उद्देश्य है। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे और बीमार व्यक्ति का विकार दूर कैसे हो, हमारा उद्देश्य दवाई खिलाना नहीं है। इसलिए दोस्तों, अब समय आ गया है, हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना है, अपने शरीर की सर्विसिंग करनी है। तो क्या आप सब तैयार हैं? एक बार कमेंट मैसेज करके मुझे बताएं कि क्या आप अपने शरीर को झाड़ू मारने के लिए तैयार हैं? क्या इस शरीर को शुद्ध करने के लिए तैयार हैं? भगवान ने, मां प्रकृति ने आपको जो शरीर दिया है, कुछ समय के लिए दिया है, तो प्लीज इसको गंदा करके वापस ना करें, इसको साफ सुथरा। आप अगर किराएदार हैं, आप इस मकान के किराएदार हैं, किराएदार हैं, जब मकान मालिक को वापस ये जब मकान सौंपेंगे तो बिल्कुल साफ सौंपें, ताकि उसको भी लगे यार किसी अच्छे इंसान को ये मकान दिया था। सोच के देखे, आप किराएदार हैं, आपको मकान दिया और आपने सड़ा दिया, जब वापिस किया तो दया यार क्या गंदा कर दिया है। क्या आप भी चाहते हैं भगवान आपके बारे में ऐसा सोचे, कुदरत प्रकृति आपके बारे में ऐसा सोचे? अगर आप चाहते हैं ऐसा नहीं हो, तो दोस्तों आपको एक ही काम करना पड़ेगा, इस शरीर को साफ करो। तैयार है? सर यस सर यस सर यस सर, आई एम रेडी। जी हाँ, हमें सबसे पहले दोस्तों एक ही काम करना पड़ेगा, पहले हमें खुद के शरीर को साफ करना पड़ेगा और फिर हमें लोगों को करना पड़ेगा। इस ये डिटॉक्सिफिकेशन है, ये एक प्रक्रिया है, हमें शुद्ध करना है, हमारे शरीर को शुद्ध करना है। शरीर शुद्ध होगा तो समाज भी शुद्ध होगा, और समाज शुद्ध होगा तो देश भी शुद्ध होगा। तो तैयार है शुद्ध होने के लिए? तो उसी के लिए, उस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आयुर्वेद ने, हमें कोई मशीनों की जरूरत नहीं है। विदेशों में लोग क्या करते हैं, मशीनें हैं शरीर को अंदर से वॉश करने के लिए, बहुत मशीनें इस्तेमाल की जाती है, हमें इनों की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कुदरत ने हमारे पास बहुत सारे नायाब तरीके बनाए हैं, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स बनाई है, अगर इनका नियमित रूप से सेवन किया जाए तो आपके शरीर का सफाई हो सकती है। उसी में बहुत सारी चीजें, डिटॉक्सिफाई चार तरीके से किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, टॉक्सिन्स निकलने के चार तरीके हैं, अंदर जाने के तीन तरीके हैं, तो टॉक्सिन्स बाहर निकलने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो क्या वो तरीके हैं? टॉक्सिन्स निकलने के चार रास्ते हैं, जिस तरीके से टॉक्सिन्स हमारे शरीर से निकलते हैं, अंदर जाने के जो तरीके हैं, उसके अलावा जैसे अंदर हमने मुंह से खाया, टॉक्सिन्स बाहर निकल सकते हैं। हमने इनहेल किया तो सांस छोड़ रहे हैं, तो उससे टॉक्सिन्स बाहर निकल सकते हैं। स्किन से टॉक्सिन्स अंदर गए हैं तो पसीने के थ्रू स्किन से बाहर भी निकल सकते हैं। इसके अलावा एक और चौथा तरीका है टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का, वो है यूरिनेशन। जो हम किडनी, जो हमारी जो किडनीज है, उनके थ्रू टॉक्सिन्स को हमारी यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है। इन सारे तरीके से हम टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों इन सारी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो, आपके शरीर में जो कचरा है वो बाहर निकले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए प्रकृति ने ऐसे बहुत सारे अनमोल चीजें हमें दी। हमें, मैंने जैसे आपको बताया कि हमें किसी मशीन की जरूरत नहीं है, हमें प्रकृति ने बहुत सारी चीजें दी हैं, उनका इस्तेमाल करके आप इस शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। जैसे कि लेमन ग्रास एक बहुत शानदार एक हर्ब है, आप हो सकता है आपके घर में, आस पड़ोस में कहीं पे हो, वो एक बहुत शानदार शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का तरीका। वो क्या करता है, शरीर से यूरिनेशन को बढ़ाता है, पसीने को बाहर ज्यादा से ज्यादा निकालने का प्रयास करता है, शरीर में जो जमा कचरा है उसको वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने का वो काम करता है लेमन ग्रास। इसके अलावा त्रिफला, जिसको आयुर्वेद में रसायन का दर्जा दिया गया, त्रिफला तीन फलों से मिलकर, आंवला, हरड़, बेहड़ा, उन तीन त्रिफला, अगर उसको सही प्रपोर्शन में उसको दिया जाए तो वो भी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। त्रिफला तीन फलों से मिलके, जो जिसको बोलते हैं आंवला, हरड़, बहेड़ा, उन तीनों के एक प्रोपोर्शन है उसमें मिला के उसको बोलते हैं त्रिफला। इसके अलावा पुनर्नवा, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, पुनर्नवा एक ऐसी हर्ब्स है जो जिसको बोलते हैं कि पुनर्नवा, जिसका नाम ही पुनर्नवा, मतलब शरीर को नया कर देने वाली, किसी भी अंग को नया कर देने वाला जो औषधि है उसको बोलते हैं पुनर्नवा। तो पुनर्नवा उसके अंदर डाला गया है। ऐसे ही बहुत सारी हर्ब्स हैं जिसको अगर फिक्स प्रोपोर्शन में अगर उनको बनाया दिया, अगर शरीर इस्तेमाल करे तो एक शरीर का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन शरीर का आप कर सकते हैं, डिटॉक्सिफाई शरीर को कर सकते हैं। तो उन्हीं सारी हब्स को मिला के दोस्तों, उन्हीं सारी हब्स को मिला के जो कुदरत ने आपके लिए बनाई है, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट एलेक्स आपके लिए लेके आई है। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले कंपनी की जब फोर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की, उस दिन इस प्रोडक्ट को, हमारी बहुत दिनों से इसके लंबे समय तक इस पे हमारी काम चल रहा था, रिसर्च चल रही थी कि कैसे शरीर को शुद्ध किया जाए। सभी लोग वाइटलक्स हॉस्पिटल में आके अपने आप का शोधन नहीं करा सकते, तो कैसे हर व्यक्ति घर बैठ के अपने आप को शुद्ध रख सकता है, अपने आप के शरीर को शोधन कर सकता है, इसकी शुद्धि कर सकता है। तो बहुत लंबे समय से हम इस पर रिसर्च कर रहे थे और बहुत ही रिसर्च करने के बाद एक शानदार प्रोडक्ट आप तक पहुंच गया है, काफी लोगों तक पहुंच गया होगा। अगर नहीं पहुंचा है तो वो अभी आप फटाफट ऑर्डर लगाएंगे तो आप तक पहुंच जाएगा, एलेक्स डिटॉक्स जूस। जी हाँ, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया गया है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप लेना शुरू करेंगे तो ये आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, आपके शरीर का शुद्धिकरण करेगा। और जब आप ये लेना शुरू करेंगे, पहले मैं इसका बता दूं, इसको लेने का जो तरीका है, 20 से 30 ml सुबह, 20 से 30 ml शाम को, 1 कप गर्म पानी, 1 कप गर्म पानी लेना है, 20 चाय की तरह, और 20 से 30 ml उसमें डालना और चाय की तरह आपको सिप सिप करके इसको पीना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। जब आपको इसको इस तरह लेना शुरू करेंगे तो ये आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर जो आंतों में आपका कचरा जमा है उसको साफ करेगा, आपके लीवर के थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, आपके स्किन के थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, आप जो एक्सप्रेशन, जो सांस छोड़ रहे हैं, हर तरीके से आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन ये कर देगा। तो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है एलेक्स डिटॉक्स जूस। ये एक बहुत ही, मैं आपको पहले ही बता चुका, मैं बहुत लंबे समय से इस पर रिसर्च कर रहा था, मैंने बहुत सारे रोगियों पर इसका निरीक्षण किया है, बहुत सारे लोगों पर इसका अप्लाई किया है, और जब उसके 100% रिजल्ट मुझे मिले तब जाके प्रोडक्ट आपके सामने लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रोडक्ट एलेक्स डिटॉक्स जूस। मुझे नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद कोई भी व्यक्ति बीमार रहेगा, किसी की भी बीमारियां, जैसे मैंने बताया ना, बकेट जो ओवरफ्लो हो रही है, ये ऐसी चीज है जो आप इसको लेना शुरू करेंगे, जो टॉक्सिक बकेट का जो थ्योरी मैंने बताई, वो टॉक्सिक बकेट आपकी अब खाली होने वाली है। पहले एक बार कोई भी आप दवाइयां ले रही हैं, उन दवाइयों को ले रही हैं, ले रहे हैं, उन दवाइयों को एक बार साइड में रखें, सबसे पहले शरीर को शुद्ध करें, फिर आप देखेंगे। हो सकता है आप शलाकी जूस ले रहे हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कई लोग बोल रहे हैं शलाकी ले रहा हूं रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऑर्थो केयर ले रहा हूं रिजल्ट नहीं आ रहा है, हर्ट केयर ले रहा हूं रिजल्ट नहीं आ रहा है, डायबिटिक्स ले रहा हूं रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक बार उनको साइड में रख के शरीर को शुद्ध कीजिए। हो सकता है आपके हाथों में अंदर एब्जॉर्प्शन ही ना हो रहा हो, मैं यकीन से कह सकता हूं, जब आप एक बार अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर देंगे उसके बाद चुटकियों में असर आएगा, शलाकी लेंगे पहले डोज से असर आएगा, उसके बाद आप डायबिटिक्स लेंगे पहली डोज से असर आएगा, ऑर्थो केयर लेंगे पहली डोज से असर आएगा, लियोसेफ लेंगे पहली डोज से असर आएगा,
लेकिन पहले दोस्तों इस शरीर को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो ये एलेक्स डिटॉक्स जूस अवेलेबल है हमारी बकेट में, एक बहुत शानदार ये प्रोडक्ट आ चुका है, हर एलेक्सियंस के लिए गर्व की बात है। अब आपको क्या करना है, इसका एक शानदार पोस्टर भी कंपनी ने डिजाइन किया है, तो आपको करना क्या है, अपने घर के बाहर, अपनी दुकान के बाहर, अपने एएसएम के बाहर, अपने एआरएस के बाहर, अपने एटीएस के बाहर, अपने एडीएस के बाहर बस एक बोर्ड लगाना है कि यहां पर शरीर की सर्विसिंग की जाती है, बस बॉडी सर्विस सेंटर। एक अगर क्रांति लाना चाहते हो अपने बिजनेस में, एक क्रांति लाना चाहते हो अपने स्वास्थ्य में, अपने समाज में, तो अपने घर के बाहर एक पोस्टर जरूर लगा देना कि यहां पर शरीर की सर्विसिंग की जाती है। आज से पहले आपने लिखा होगा यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाई मिलती है, WHO सर्टिफाइड दवाई मिलती है, आयुष, लोग पढ़ते हैं और चले जाते हैं। एक बार मेरा दवा है अपने घर के बाहर लिख के देखेंगे, यहाँ पर शरीर की सर्विसिंग की जाती है, देखना लोग कैसे लाइन लगा के, अच्छा शरीर की सर्विसिंग। दोस्तों बहुत बड़ा पूरा पूरा मैं कहना चाहूंगा पूरा पूरा आपका आपका समाज, पूरा आपका देश इंतजार कर रहा है, किसी की सर्विसिंग नहीं हुई है। रोड पे बाहर निकल जाना, किसी का भी हाथ पकड़ के पूछना, भाई साहब सर्विस हुई है क्या तेरी बॉडी, गाड़ी के सर्विस सेंटर तो बहुत आपके शहर में, बॉडी सर्विस सेंटर नहीं है। एलेक्स लेके आए हैं आपके लिए अच्छा कंसेप्ट, बॉडी सर्विसिंग सेंटर खोल डालिए अपने घर घर, गांव गांव, कॉलोनी कॉलोनी में बॉडी सर्विस सेंटर। आपके पूरे गांव में एक भी बॉडी सर्विस सेंटर नहीं होगा यार, तो क्या नहीं चलेगा क्या, इतने लोग हैं, साला गाड़ी की सर्विस सेंटर मिल जाएंगे आपके गांव के समय में, लेकिन बॉडी सर्विस सेंटर नहीं है। जितना ध्यान गाड़ी या बाइक के रखते हो उससे कहीं ज्यादा प्रकृति ने आपको ये जो शरीर, अनमोल शरीर दिया है, इसका ध्यान रखिए, इसकी सर्विसिंग शुरू कीजिए। एलेक्स डिटॉक्स जूस अवेलेबल है सेल के लिए, फटाफट ऑर्डर लगाइए, हर उस व्यक्ति तक, हर एलेक्सियन तक, अगर वो सही मायनों में एलेक्स कर रहा है तो उसके हाथ में एलेक्स डिटॉक्स जूस अवश्य होना चाहिए। खुद के इस्तेमाल करके देखिए एक बार, फिर आप बता पाएंगे कैसा फील कर रहे हैं आप, फिर औरों को बता पाएंगे। अगर सही मायनों में एलेक्स में काम कर रहे हैं तो एलेक्स डिटॉक्स जूस आपके घर पे, आपके आस पड़ोस में, हर जगह होना चाहिए। फटाफट ऑर्डर कीजिए, कंपनी में लिमिटेड स्टॉक है, बहुत इसको बहुत प्रोसेस के बाद बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत, आयुर्वेद मेहनत मांगता है, तो एलेक्स डिटॉक्स जूस बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई कलर फ्लेवर डाला और जूस तैयार बाकी कंपनियों की तरह और आप रेडी हो गए पीने के लिए, नहीं, इंडस्ट्री में बहुत मेहनत के बाद ये जूस तैयार होता है दोस्तों। तो फटाफट ऑर्डर लगाइए, तैयार है। और जैसे हमारी सरकार, जो देश की सरकार है, हमारे जो कोई भी सरकार हो, हर सरकार यही प्रेरित करती है कि देश को साफ सुथरा रखें, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छता अभियान चला रखा है, तो वो देश को साफ करने की बात कर रहे हैं। आप शरीर को साफ करने का अभियान छेड़ दीजिए, मार दीजिए झाड़ू इस शरीर पे, जो अंदर कचरा जमा पड़ रहा है, एक बार जो बकेट भरी है ना निकाल फेंकिए बाहर, बाहर की सफाई मोदी जी देख लेंगे, आप शरीर को साफ कर दो एक बार। तो दोस्तों हमें एक अभियान चलाना है, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन का अभियान। मैंने आपको आज सारी थ्योरी समझा दी है, क्यों बीमारियां होती है, क्यों मोटापा होता है, और उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे से बीमारियों को ठीक करने का आपका नजरिया बदल गया होगा, आगे से आपको बीमारी कैसे ठीक करनी है, दवाइयां नहीं ठूसनी है, दवाइयां नहीं ठूसनी है, पहले साफ करो यार, फिर दवाइयां देनी है अगर जरूरत पड़े तो। दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप लोग जरूर इसको इस्तेमाल करेंगे और लोगों को इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारा जो स्लोगन है हमारी कंपनी का, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, उस दिशा में एक बहुत अहम कदम ये होने वाला है। तो दोस्तों अपने आप को स्वस्थ बनाइए, हर व्यक्ति अपना जिम्मेदारी ले लेगा तो देश अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, और देश स्वस्थ हो जाए, रोज करोड़ों रुपए की जो गोलियां खा रहे हो ना, छोटी छोटी गोलियां, शुगर, बीपी, गैस है साला, देश का करोड़ों रुपया पानी की तरह बह रहा है। और क्यों बह रहा है, क्योंकि अंदर जहर भी बढ़ रहा है, बीमारियों पैसा भी बह रहा है, बंद कीजिए उसको, देश तभी समृद्ध होगा। आपके घर में आप अंदाजा लगा के देखिए, आप शुगर के पेशेंट हैं, अपना खर्चा उठा लीजिए, 10 साल से आपको शुगर है, 5 साल से शुगर है, कितना खर्चा कर चुके आप शुगर की गोलियों पे, और क्या आप ठीक हुए? आपको गैस है, कितने सालों से आप गैस की गोलियां, रोज की 2 रुपए की 1 रुपए गोली, अंदाजा लगे साल के कितने रुपए खर्च कर दिए आपने, और क्या आप ठीक हुए? आपको हार्ट की समस्या है, कितनी गोलियां खा रहे, क्या आप स्वस्थ हुए? नहीं हुए ना, तो एक बार ये करके देख लीजिए, बंद कीजिए इसको। सही मायनों में देश तभी स्वस्थ होगा और देश तभी समृद्ध होगा। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, चाहे आप एलेक्सियन हैं, एलेक्स के लीडर्स हैं, हर वो एलेक्सियन है जो आज हमारे साथ कनेक्ट है, सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। या जो लोग एलेक्स से संबंध नहीं रखते हैं, अगर वो भी हमारे साथ कनेक्ट है, तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप भूल जाइए कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, लेकिन आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने कोई नजदीक कोई भी एलेक्सियन है, कोई भी आपको एलेक्स की टी शर्ट में नजर आए, एलेक्स के ड्रेस कोड में नजर आए, पकड़ लीजिए उसको और बताइए, भाई साहब मेरे को डिटॉक्सिफिकेशन करना है। हो सकता है एलेक्सियन आपको ना बताए,
क्योंकि वो लिमिटेड चीजें हैं, वो हो सकता है, लेकिन आपको कोई भी कहीं भी एलेक्सियन नजर आ जाए तो उसके पीछे पड़ जाओ, दोस्तों मुझे अपना डिटॉक्सिफिकेशन कराना है, आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं एक्स वाई जेड, लेकिन दोस्तों इसको जरूर आपको इस्तेमाल करना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, अपने आप को साफ रखेंगे, मैं फिर से अंत में यही कहना चाहूंगा, मां प्रकृति ने शरीर कुछ दिनों के लिए हमें दिया है, जब इसको वापस लौटाएं तो इसको गंदा करके ना लौटाएं, इसको जब लौटाएंगे तो बिल्कुल स्वच्छ शरीर लौटाएं, ताकि भगवान भी खुश हो, प्रकृति भी खुश होगी, किसी अच्छे इंसान को रहने के लिए शरीर दिया था, ना कि कचरा फैला के वहां पे दे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। थैंक यू सुपर एलेक्स। सुपर एलेक्स फ्रेंड्स, और जो भी लोग आज हमारे साथ फेसबुक पे कनेक्ट हैं, चाहे वो हमारे सभी एलेक्स के सीनियर लीडर्स हैं, या जो भी एलेक्स में एलेक्स से संबंधित लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, या जो लोग भी एलेक्स से संबंध नहीं रखते, जो लोग एलेक्स से संबंध नहीं रखते अगर वो भी हमारे साथ कनेक्ट है, तो सभी को सुपर एलेक्स। सुपर एलेक्स हमारा विश करने का एक तरीका है, हम एलेक्सियंस दिल से जब भी किसी को विश करते हैं तो उसको बोलते हैं सुपर एलेक्स। तो आप सभी लीडर्स को और सभी एलेक्सियंस को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें, आप समृद्ध रहें, क्योंकि यही हमारी कंपनी का नारा है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, हम इसी पे काम करते हैं। तो स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत खाली लिख देने से दोस्तों कोई भी देश स्वस्थ नहीं हो सकता या समृद्ध नहीं हो सकता, उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम मैंने देखा है बहुत सारे लोग कि वो लिखते तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन उस पर प्रैक्टिकली क्या किया करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपका वो जो लिखा हुआ स्लोगन है वो आप पूरा कर पाएंगे, नहीं तो हमारा स्लोगन है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। तो स्वस्थ भारत कैसे स्वस्थ होगा उसके विषय में आज हम बात करेंगे। आज का विषय है कि शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। देखिए हमारा उद्देश्य बिल्कुल शुरू से ये नहीं रहा है, पहले दिन से मैं आपको बताता रहा हूं कि हमारा अच्छा, मैं एक चीज बस ये जानना चाहूंगा, कोई भी लीडर जो हमें मुझे सुन रहे हैं, क्या एक कोई भी एक बोल के बताए क्या मेरी साउंड क्लियर है, क्या आप मुझे सही सुन पा रहे हैं? चलिए तो ठीक है, आवाज क्लियर है, कंफर्मेशन है। तो शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है, इसका कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि देखो हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। आप बोलेंगे कि सर हम तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर आप कहेंगे कि शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है तो लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे। मैं फिर से आपको यही बात कहना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल ये शुरू से ये नहीं रहा है कि हम कोई खाली काम करें, प्रोडक्ट सेल के ऊपर काम करें। हमारा एक मिशन है कि देशवासियों को, लोगों को स्वस्थ कैसे बनाना है। तो कैसे स्वस्थ होंगे उसका मूल मूल जो सिद्धांत है, आज मैं उस विषय पर बात करूंगा कि ये जो हमारा शरीर है ना, इसको कोई भी बीमारी को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो उसको दवाई किससे पहले उसको शरीर को शुद्ध करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करना चाहूँ, मान लो आपका घर है, आपके घर के आपका किचन लगा सकते हो या आपके घर का कोई भी रूम लगा सकते हो। मान लो आपके घर की किचन है, किचन में आप बहुत सारी सब्जियां काटते हैं या खाना बच जाता है, वो आप एक डस्टबिन में डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, और डस्टबिन में वो इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है बहुत दिनों तक। मान लो आप उसकी सफाई नहीं कर रहे हो, इकट्ठा हो रहा है, तो अब इकट्ठा होने से वहां पे स्मेल आने लगती है या बहुत सारे कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं, मक्खियां मच्छर उत्पन्न होने लगते हैं उस कूड़े में। तो आप क्या करते हैं उस पे ना, कोई उन मच्छरों को या कीड़े मकोड़े को भगाने के लिए आप उस पे कोई स्प्रे स्प्रे कर सकते हैं, उस पे स्प्रे कर देंगे, उस पे कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे कर सकते हैं या कोई भी स्प्रे कर देंगे, या उसकी ऑडर जो उसकी बदबू है उसको दूर करने के लिए कोई आप उस पे रूम फ्रेशनर आप डाल देंगे, तो हो सकता है कुछ समय के लिए, हो सकता है कुछ समय के लिए वहां से स्मेल चली जाए, हो सकता है कुछ समय के लिए मक्खी मच्छर मर जाए, लेकिन अगर वो स्थिति अगर ऐसे ही बनी रहेगी तो कुछ दिनों बाद और ज्यादा स्मेल आएगी, और ज्यादा कीड़े मच्छर मकोड़े वहां पर पैदा होंगे, ऐसे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करने वाले जीवाणु उसमें उत्पन्न होंगे। आप बार बार उस पर स्प्रे करते रहें, बार बार उस पर कोई डिओड्रेंट डालते रहें, बार बार रूम फ्रेशनर डालते रहें, ऐसा कुछ करते रहेंगे तो आपको क्या लगता है आप उस स्मेल को या उस जो वहां पे होने वाली बीमारी है या जो गंदी स्मेल आ रही है सब कुछ, उसको आप कितने दिनों तक ठीक कर सकते हैं? उसको लंबे समय तक आप दबा के नहीं रख सकते। उसका दूसरा तरीका यह है कि उस कूड़े को आप उठाएं, उसको किसी उसमें बांध दें और अपने घर से बाहर फेंक दें, जहां कहीं पे कूड़ा फेंका जाए ऐसी जगह पे उसको ले जाके फेंक दें। उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो किचन है वो बड़ी साफ सुथरी लगेगी, आपका जो गंदी स्मेल थी वो चली जाएगी,
आपके जो मच्छर पैदा हो रहे थे, मक्खियां पैदा हो रही थी, वो सब चले जाएंगे। तो ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया, आपने बीमारी पहले आप उसको ढकने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा छोटा सा तरीका आपने अपनाया कि उस कूड़े को उठा के घर से बाहर फेंक दिया, और आप पाएंगे कि आपकी किचन बिल्कुल साफ हो गई, वहां पे कोई स्मेल नहीं है, जो मच्छर मक्खी पैदा हो रहे थे वो अब बंद हो गए हैं। बहुत आसान सा तरीका था। इसी तरीके को बोलते हैं शोधन, ये है शोधन चिकित्सा। आयुर्वेद में, पूरे आयुर्वेद में की अगर चिकित्सा प्रणाली को अगर दो भागों में दोस्तों बांटा जाए, आज बड़े ध्यान से समझना जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, कुछ चीजें हम स्लाइड के माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वास्तव में कैसे होता क्या। मैं आपको कुछ थ्योरीज आज समझाने वाला हूं, हेल्थ स्वस्थ रहने की क्या थ्योरीज है उसके ऊपर बात करेंगे, मोटापे को दूर करने की क्या थ्योरीज है, कुछ थ्योरीज है, अगर उनके ऊपर काम किया जाएगा तो आप बहुत आसानी से बीमारियों को भी दूर कर पाएंगे, मोटापे को भी दूर कर पाएंगे, या अपने शरीर में होने वाली तमाम तरह की लगभग 90% बीमारियों का एक ही समाधान है, और वो है शोधन चिकित्सा। पूरे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली को दो भागों में बांटा जाए तो आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली दो भागों में विभक्त है। पहला है शोधन चिकित्सा और दूसरा है शमन चिकित्सा। दोस्तों आयुर्वेद ये मानता है आपको होने वाली तमाम तरह की बीमारियां, चाहे आपके घुटनों में दर्द है, चाहे आपको डायबिटीज है, चाहे आपको कैंसर है, चाहे आपको एसिडिटी है, चाहे आपको सोराइसिस है, चाहे आपको एलर्जी है, चाहे आपको दमा है, चाहे आपको नजला है, चाहे आपको पाइल्स है, तमाम तरह की आपको होने वाली तमाम तरह की बीमारियों को अगर मूल कारण पे बात किया जाए तो तीन तरह के दोष है, वात पित्त कफ। पहले मैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बात करूं आपसे, तो हमारे शरीर में तीन दोष है, वात पित्त कफ, और ये वात पित्त कफ जब बैलेंस रहते हैं हमारे शरीर में तो आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, आप स्वस्थ रहते हैं। जब ये तीनों दोष बैलेंस्ड रहते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होती, आप स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब इनका जब ये अनबैलेंस हो जाते हैं, वात बढ़ गई तो वात से संबंधित बीमारियां जैसे कहीं पे भी दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, जो भी वात व्याधियां हैं, अगर वात बढ़ गई तो वात से संबंधित बीमारियां, अगर पित्त बढ़ गया तो पित्त से संबंधित बीमारियां, और कफ बढ़ गया तो कफ से संबंधित बीमारियां, जब ये दोष आपस में प्रकोपित हो जाते हैं, कोई दोष बढ़ गया कोई कम हो गया, तो इस तरीके से सारी बीमारियां बीमारियों की उत्पत्ति होती है। तो दोष जब अत्यधिक बढ़ जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं, तो बीमारियां होती, ये बीमारियों का मूल कारण है, मूल कारण है। तो अब इस मूल कारण को दूर करने के दो तरीके, क्या दो तरीके हैं, पहला तरीका ये है कि शोधन किया जाए और दूसरा तरीका है कि शमन किया जाए। आयुर्वेद में सबसे पहले एक ही बात का जिक्र किया गया कि सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चिकित्सा है वो है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा क्या है कि जो हमारे दोष है, जो हमारे दो शरीर में दोष बढ़ गए हैं, प्रकोपित हो गए हैं, उन दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, और उसके बाद अगर कुछ दोष रह गए हैं या कुछ बीमारी के कुछ अंश रह गए हैं तो उसको फिर दवाइयां देके उसका शमन किया जाए। तो ये दो तरीके हैं किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करने के, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। शोधन मतलब जैसे हमने अपनी किचन से कूड़े को उठा के बाहर फेंका और उसके बाद अगर थोड़ी बहुत गंदगी रह गई तो उसको हमने वहां से साफ कर दिया, उसमें आपकी स्मेल रह गई तो रूम फ्रेशनर डाल दिया, उसके बाद आपकी किचन बिल्कुल ओके हो गई। ऐसा ही शरीर के साथ होता है, ऐसा ही शरीर के साथ होता है। अगर जो बढ़े हुए दोष है, जो प्रकोपित दोष है, उनको सबसे पहले शरीर से बाहर निकाल दिया जाए और फिर उसके बाद अगर कुछ दोष रह जाए तो उनका दवाइयों औषधियों के द्वारा उनका शमन कर दिया जाए। इस तरीके से आप किसी भी तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में शोधन के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और उन्हीं शोधन की जो तरीके हैं उनमें से एक तरीका है पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा जैसे आपका अपना हॉस्पिटल है वाइटल एक्स हॉस्पिटल, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, दूर दूर से पेशेंट आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कर्नाटका से आते हैं, हर तरीके के पेशेंट आते हैं और यहाँ के वो स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, बहुत जल्दी उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। हम यहाँ दवाइयां कम इस्तेमाल करते हैं फिर भी पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, वो घर पे बहुत सारी दवाइयां खा रहा होता है फिर भी जल्दी ठीक नहीं होता। यहाँ पे बस हम एक ही काम करते हैं, उसके शरीर का शोधन करते हैं, उसका शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। यहाँ अलग अलग प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है और जैसे शरीर शुद्ध होता है ना दोस्तों, अपने आप बीमारी ठीक होने लगती है। शरीर में इतनी शक्ति है कि अपनी हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है, लेकिन आज हमारा शरीर इतना गंदा हो गया है, इतना गंदा हमारा शरीर हो गया है कि हम इसकी सफाई पे ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों अगर मैं बात करना चाहूं प्रकृति की, प्रकृति माँ ने ये हमारा शरीर हमें दिया है, ये एक भगवान का गिफ्ट है जो हमें दिया है, एक भगवान ने गिफ्ट दिया है, कुछ समय के लिए गिफ्ट दिया हमें, कुछ दिनों बाद ये शरीर हमारे पास से चला जाएगा, कुछ दिनों के लिए हमारी जो आत्मा है उसको रहने के लिए शरीर मिला है,
जैसे होता है ना, कोई मकान आपको मिल जाए रहने के लिए, आप इसमें रहो, अब निर्भर आप पे करता है उसका, आप उसको कैसे यूज करते हो। आप उसको सड़ा के रखते हो, कूड़ा कचाड़ा फैला के रखते हो, गंदगी रखते हो, या उसको साफ रखते हो। मां प्रकृति ने, भगवान ने ये शरीर हमें दिया है, कुछ समय के लिए गिफ्ट किया है, कुछ समय बाद ये शरीर चला जाएगा आपसे, हमसे चला जाएगा। तब तक के लिए जो गिफ्ट भगवान ने दिया है तो इसको साफ रखने हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। मत गंदा रखो इस शरीर को। हम क्या करते हैं, आप सब लोग कैसे, आप बोलेंगे हम, मैं तो बहुत सफाई रखता हूं, मैं तो बिल्कुल साफ रखता हूं, मैं रोजाना अच्छे शैंपू इस्तेमाल करता हूँ, रोजाना साबुन से नहाता हूँ, स्क्रब यूज करता हूँ, मैं डेली मसल मसल के नहाता हूँ, दिन में 2 बार नहाता हूँ, साबुन अच्छे अच्छे एलेक्स के अपना लेमन सोप से नहाता हूँ, रोज सोप से नहाता हूँ, मोगरा सोप से नहाता हूँ, अच्छे अच्छे शैंपू है उनसे नहाता हूँ, मैं इसको बिल्कुल गंदा नहीं रखता हूँ, मैं इसको बहुत साफ रखता हूँ। बिल्कुल रखते होगे, यकीनन दोस्तों रखते होगे। आप रोज शैंपू लगाते हैं, रोज साबुन इस्तेमाल करते हैं, रोज नहाते हैं, दिन में 2 बार नहाते हैं, 3 बार नहाते हैं, आप इस शरीर को रोज बाहर से साफ कर रहे हैं, क्या अंदर से सफाई के बारे में सोचा? जितना शरीर बाहर से गंदा होता है उसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि हम रोज खाना खाते हैं, रोज हम खाना खाते हैं, मुंह है हमारा, रोज इससे खाना खाते हैं, डेली आप अपने दांतों को साफ करते हैं, समझना मेरी जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हम क्या करते हैं रोजाना हम अपने दांतों को साफ करते हैं, अगर 2-4 दिन दांतों को साफ ना करें तो क्या हो जाएगा? 2-4 दिन अगर दांतों को ब्रश ना करें, साफ ना करें तो क्या हो जाएगा 2-4 दिन में? आप सब का ही जवाब होगा कि सर स्मेल आने लगेगी, बदबू आएगी, अच्छा फील नहीं होगा, अगर 10-15 दिन तक ना करें तो और ज्यादा सड़ जाएगा, अगर 2-4 महीने ना करें तो फिर तो और भयंकर सड़ जाएगा अगर इसको साफ ना करेंगे तो, और 2-4, 5 साल, 10 साल तक ही साफ ना करें तो आप बोलेंगे सर सड़ जाएगा सब बुरा हाल, सोच के भी गंदा लग रहा है। आप यहां से खाना खाते हैं और फिर इसको रोज साफ भी करते हैं, अगर इसको साफ नहीं करेंगे तो सड़ने लगेगा। क्यों सड़ने लगेगा? क्या आप कूड़ा खाते हैं, गंदी चीजें खाते हैं? नहीं, आप अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, फिर भी भाई ये तो यह हो कि हम गंदी चीज खा रहे हैं इसलिए सड़ जाएगा, नहीं, हम गंदी चीजें नहीं खा रहे, आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, आप फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, जो भी एक्स वाई जेड जो आप अपने घर में अच्छी से अच्छी चीजें खा रहे हैं, फिर भी बावजूद इसके अगर इसको साफ नहीं करेंगे तो दोस्तों ये सड़ने लगेगा। मुंह से खाना खाते हो, इसको रोज साफ कर लेते हो, जो खाना हमने खाया वो निकलता कहां से? हमारे मल द्वार से बाहर निकलता है, उसको भी रोज साफ कर लेते हैं। मुंह से खाना खाया इसका भी रोज ध्यान रखते हैं, इसको साफ करते हैं, नहीं तो सड़ जाएगा, और मल द्वार जहां से वो निकलता है खाना वेस्ट के रूप में उसको भी रोज धो लेते हो। हमारे हिंदू, हमारे जो भारतीय, भारत में हमारा जो भारत का कल्चर है वो यही है कि हम धोते हैं, आप सब भी धोते होंगे, तो मुंह को भी रोज धो लेते हो और जहां से वो निकलता है मल उसको भी रोज धो लेते हो, लेकिन इस मुंह से लेकर और मल द्वार तक का जो बीच का जो एरिया है, क्या इसके बारे में सोचा कभी? क्या सोचा कि आपको, आपको क्या लगता है मुंह से लेके और मल द्वार तक का जो एरिया है वो लगभग कितना एरिया होगा? चलिए मैं आपको आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाता हूं कि कैसे क्या कैसे एरिया होता है या किस तरह का डिजाइन हमारे अंदर है और उसको क्यों उसको साफ रखना जरूरी है। तो मैं एक स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज, ये मेरे को बड़ी अच्छी लगती है ये बात, महात्मा बुद्ध की एक लिखी हुई लाइन है, बड़ी मुझे मुझे बहुत अच्छी लगती है ये लाइन। क्या लाइन है? एवरी ह्यूमन बीइंग इज द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ और डिजीज। समझने की कोशिश करना दोस्तों, हर इंसान, हर आदमी अपनी खुद की हेल्थ या डिजीज का खुद ही ऑथर है। आप खुद लिखने वाले हैं, आप खुद ही लिखने वाले हैं कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे या आपकी कौन सी बीमारी होगी। बहुत अच्छी लाइन है ये, उन्होंने बिल्कुल स्टीक लाइन लिखी है कि हम अपनी बीमारी के या अपनी हेल्थ के खुद जिम्मेदार हैं। आप कितने हेल्दी रहेंगे आप खुद जिम्मेदार है, आपको कौन कौन सी बीमारियां होंगी आप खुद जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार है अपने हेल्थ के। तो अगर किसी को अगर गैस है, एसिडिटी है, अगर किसी को घुटनों में दर्द है, अगर किसी को कमर में दर्द है तो कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी को डायबिटीज, आप खुद जिम्मेदार है। किसी को कैंसर हुआ तो आप खुद जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि आपने
अपने इस शरीर को जो भगवान ने आपको दिया है, आपने इसको शुद्ध नहीं रखा, आपने इसकी सफाई नहीं की, इसलिए अगर आप अपने घर को साफ नहीं कर रखे उसमें बहुत तरह की बीमारियां, कीट पतंगे पैदा होंगे। उसी तरह शरीर को जब साफ नहीं करते तो बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। दोस्तों ये हमारा मुंह से लेके, जैसे मैंने बताया, एक सोसाइटी है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी ने पूरे विश्व में एक सर्वे किया और उस सर्वे में पाया कि ज्यादातर बीमारियों का कारण क्या है। तो उस सोसाइटी ने एक ही चीज पाई कि 85% बीमारियों का एक ही कारण है, और वो कारण क्या है? टॉक्सिक कोलोन। मुंह से लेके मल द्वार तक का जो एरिया है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारी आहार नली से लेके और मल द्वार तक का जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं कोलोन, टॉक्सिक कोलोन। इस कोलोन में जो, इस एरिया में जो गंदगी जमी है, वही हमारी 85% बीमारियों का कारण है। 85% बीमारियों का एक ही कारण है, मुंह से लेके मल द्वार तक का जो एरिया है। और आपको जान के अचंबा होगा कि ये एरिया लगभग 28 से 30 फीट एरिया है। आप मुंह को रोज साफ कर लेते हैं जहां खाना अंदर जाता है, मल द्वार को भी रोज साफ कर लेते हैं जहां से बाहर निकलता है, लेकिन बीच का जो 28 से 30 फीट एरिया, जिसको आप देख सकते हैं, ये हमारा स्टमक है, उसके बाद छोटी आंत है, उसके बाद बड़ी आंत है, और लास्ट में जाके वो मल द्वार पे खत्म हो जाती है। ये जो एरिया है, क्या इसकी सफाई के बारे में आपने कभी सोचा? वही खाना अंदर भी जाता है, वही खाना अंदर भी लगा रह जाता है। हमने इसकी सफाई के बारे में कभी नहीं सोचा, और यही 85% बीमारियों का कारण है। मैं आज आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपकी हेल्थ का। मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि आप कितनी लंबी उम्र तक जियोगे, समझना, कितनी लंबी उम्र तक जियोगे ये निर्भर करता है कि आपकी आंतें कितनी साफ और स्वस्थ है, बस। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज उनको मिला था, उन्होंने ये बात बताई थी, और ये बिल्कुल 100% सटीक बात है। आप कितनी लंबी उम्र तक जियोगे ये निर्भर करता है कि आपकी आंतें कितनी साफ और स्वस्थ हैं, बस। मैं आपको ये जो ये लाइन है, इसके पीछे एक स्टोरी बताऊं आपको कि क्यों ये बात प्रासंगिक है। ये एक इंग्लैंड की एक चर्च है, एक बहुत फेमस चर्च है, बहुत पुरानी एक चर्च है इंग्लैंड की। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की, उसमें आप अगर कभी जाएंगे वहां पे तो बहुत सारे बड़े बड़े फेमस, चाहे वो कवि हो या राजनेता हो, बहुत सारे लोगों की वहां पर कब्र उसके अंदर, उस चर्च के अंदर है। और उन्हीं कब्र के अंदर एक और कब्र है, एक छोटी सी कब्र है, एक आदमी की है, जिसका नाम था थॉमस पर। थॉमस पर नाम का एक आदमी था, और उसके बारे में अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, थॉमस पर, जिसको ओल्ड टॉम के नाम से भी जानते थे, थॉमस पर क्या था, थॉमस पर के बारे में कहा गया है कि आज तक का सबसे लंबी उम्र का जीने वाला इंसान था। जिस समय उसकी वो कब्र वहां पर बनाई गई, उस समय उसकी उम्र थी 152 साल, 152 ईयर्स। 152 साल का व्यक्ति की कब्र आज भी वहां पर मौजूद है, और उसके बारे में अगर आप जानकारी जुटाएंगे थॉमस पर के बारे में, तो आपको पता चलेगा जब थॉमस पर जीवित थे वो 152 साल तक बिल्कुल 100% स्वस्थ जीवन होके वो एक्सपायर हुए। और उसके बाद जब उनका वहां के डॉक्टरों ने रिसर्च की कि यार 152 साल उम्र हो गई और ये क्यों इतने साल तक स्वस्थ रहे, और 152 साल में भी आपको जान के आश्चर्य होगा, 80 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली शादी की थी, 80 साल की उम्र में, सोचो आप, 130 साल की उम्र में उनको पुत्र हुआ था, सोचो आप। जब उनका मरण, उनके मृत्यु उपरांत जब उनके शरीर की जांच की गई कि यार इतनी लंबी उम्र, इतना स्वस्थ और इतना ऊर्जावान जिंदगी जी उन्होंने, पूरी जिंदगी उन्होंने, ऐसा नहीं कि जिंदगी पड़े हैं बेड पे पड़े हैं निकल गए 152 साल, नहीं, पूरी ऊर्जावान जिंदगी जी उन्होंने, आखिर तक एक्टिव रहे वो। और जब मरने के पश्चात जब उनका उनके शरीर की जांच की गई, तो एक ही बात पाई गई कि उनकी जो आंतें थी, जब जांच की गई तो बिल्कुल इतनी साफ, इतनी सुथरी उनकी आंतें थी जैसे कि एक बच्चे की होती, और यही उनकी लंबी उम्र का राज था। तो दोस्तों, आप कितनी लंबी उम्र जियेंगे, फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, आप कितनी लंबी उम्र तक जियोगे ये निर्भर करता है कि आपकी आंतें कितनी साफ और कितनी स्वस्थ है, बस इस पर निर्भर करता है। अब आप खुद कल्पना करो, मैं आज आपको अभी दिखा नहीं सकता, अगर आपको लगता है कि मेरी आंतें साफ होंगी तो आप अपने अंदर एंडोस्कोपी अगर कराएंगे या कोलोनोस्कोपी कराएंगे तो आपके अंदर डाल के देख लेना, कैमरा डाल के देख लेना, आपकी आंतें बहुत गंदी है। मैंने ऐसे हजारों पेशेंट्स की एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी देखी है, किसी को डायबिटीज था, किसी को
किसी को थायराइड था, किसी को कुछ था, जब उनके एंडोस्कोपी अंदर करके देखते तो उनकी आंतें बिल्कुल सड़ रही होती है। आप सोच के देखो, आप 2-4-5 दिन मुंह को साफ नहीं करते हो, जहां से खाना अंदर जाता है तो सड़ने लगेगा। और इतने सालों से आपकी उम्र 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है, 55 साल है, 80 साल है, 80-100 साल है, आपने आज से कभी अपनी अंदर आंखों पर ब्रश नहीं की, तो सोचो आपकी आंखों की क्या हालत हो रही होगी। तो दोस्तों, केवल और केवल निर्भर करता है, आप भी 100 साल तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, आप भी जवानी का जीवन जी सकते हैं, बस निर्भर एक बात करेगा। मैं फिर इसी बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इसको सीरियसली लें कि आपकी जो आपकी आंतें हैं, जो आपका कोलोन है, वो कितना साफ है, वो निर्भर करेगा कि आपको क्या आपकी आपको क्या बीमारी होने वाली है या आप कितने लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीने वाले हैं। 85% बीमारियों का एक ही कारण है कि आपका टॉक्सिक कोलोन, जो आपकी आंतें हैं वो आपकी आंतें साफ नहीं है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो साफ नहीं है। उसको साफ कर देंगे तो 85% बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। आज हम बात करते हैं, बहुत सारी जो बीमारियां आपको परेशान करती हैं, चाहे वो बीपी है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो गठिया है, चाहे वो कैंसर है, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी बीमारियां, इन सारी बीमारियों को बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज नाम से ही आप समझने की कोशिश करना दोस्तों, लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज मतलब वो बीमारियां जो आपके लाइफस्टाइल की वजह से उत्पन्न होती है। आज बीपी का इलाज नहीं है, शुगर का इलाज नहीं है, गठिया का इलाज नहीं है, थायराइड का इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं है, ऐसे इन तमाम तरह की किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो एक ही जवाब मिलता है कि सर ये ठीक नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती, दवाइयां खाओ, दवाइयां खाओ, दवाइयां खाओ, दवाइयां खाओ, दवाइयां खाओ, दवाइयां खा रहे हैं। आज करोड़ों हमारे भारतीय लोग ऐसे हैं जो रोज किसी ना किसी चीज की दवाई खा रहे हैं, कोई गैस की गोली खा रहा है, कोई बीपी की गोली खा रहा है, कोई थायराइड की गोली खा रहा है, कोई शुगर की गोली खा रहा है, कोई हार्ट की गोली खा रहा है, कोई किडनी की गोली खा रहा है। करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोज गोलियां खाने पर मजबूर है। कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि दवाइयां कैसे छूट सकती हैं, कोई नहीं बताएगा आपको। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि अगर ये बता दिया तो गोलियां खाना बंद हो जाएगा और रोज का जो करोड़ों रुपए का व्यापार है गोलियां बनाने वाली कंपनियों का व्यापार बंद हो जाएगा। बहुत बड़ा बिजनेस है ये। कोई नहीं बताएगा आपको कि गोलियां बंद करनी है, कैसे बंद होंगी। रोज गैस की गोलियां खाने मजबूर है। 8 साल हो गए गैस की गोली खा रहा हूं, 10 साल हो गए गैस की गोलियां खा रहा हूं, 10 साल हो गए शुगर की दवाइयां खा रहा हूं, गोलियां खा रहे हैं सब। ये सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। नाम से ही पता चल रहा है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसा आप देख सकते हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एलर्जीज हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्मोन इम्बैलेंस हो, चाहे क्रोनिक फटीग हो, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखने समझने की कोशिश करें। एक हरा भरा पेड़ है, बीमारियों का पेड़ है। और बीमारी की जड़ क्या है? बीमारी की जड़ है पुअर डाइजेशन, टॉक्सिन्स, पुअर डाइट, स्ट्रेस, पुअर रिलेशनशिप, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, टॉक्सिक थॉट, ये सारे रूट कॉज है इन बीमारियों की, रूट कॉज है। और हम इलाज क्या कर रहे हैं? हम इलाज कर रहे हैं गोलियां खा रहे हैं। आपके लाइफस्टाइल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं ये, और हमारा दुर्भाग्य कि इनको हम दवाइयों से ठीक करना चाह रहे हैं, कभी नहीं हो सकती। काटते रहो इन डालियों के ऊपर से, जितनी काटोगे उतनी और बढ़ेगी, जितनी काटोगे उतना और बढ़ेगी। काटना है तो इसकी जड़ें काटो, ये पेड़ पूरा सूख जाएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इन तमाम तरह की बीमारियों को ठीक करना, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा आज रीजन है इन सारी बीमारियों का, वो एक ही है, मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा। एक ही रीजन है कि आज जो हमारा शरीर है ना, हम एक ओवरलोड से गुजर रहे हैं, और वो ओवरलोड है टॉक्सिन्स का। ओवरलोड, कचरा भरा है हमारे अंदर। उस कचरे को सबसे पहले साफ करो। कचरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप दवाइयां खाते जा रहे हैं, और ज्यादा कचरा। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कचरा आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। ये सिचुएशन आज हमारी है, मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या, बीमारियों का बोझ जो है ना। आप ये जो गोलियां खा रहे हो ना, रोज रोज जो गोलियां खा रहे हो, कुछ नहीं है, वो टॉक्सिन्स के रूप में आपके अंदर और जमती जा रही है। खा रहे हो शुगर की दवाइयां, खा रहे हो गैस की गोलियां, ये सब और ज्यादा टॉक्सिन्स का काम कर रहे हैं। क्या है टॉक्सिन्स? मैं आपको बताऊं टॉक्सिन्स क्या है। एक ये टॉक्सिक बकेट थ्योरी आपको बता दूं, ये एक थ्योरी है। क्या थ्योरी है? आप देखें कोई भी बीमारी एक्स वाई जेड, कोई भी बीमारी एक्स वाई जेड डिजीज, कोई भी जिसको हम डिजीज का नाम दे सकते हैं, उसकी एक थ्योरी है जिसका नाम है टॉक्सिक बकेट थ्योरी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। क्या ये थ्योरी? आप देख सकते हैं, ये पहली पिक्चर, हमारा हेल्दी है, हमारे अंदर थोड़े बहुत टॉक्सिन्स है, इतने सब के अंदर होते हैं। ये आप हेल्दी है, जैसे जैसे टॉक्सिन्स, ये कचरा टॉक्सिन्स आपके अंदर बढ़ते जाते हैं, आपकी बीमारी बढ़नी शुरू होती है, बिल्डिंग डिजीज। अभी तक आपको पता नहीं है बीमारी का, जब ये कचरा इस तरह बढ़ रहा होता है तब तक आपकी बीमारी अभी पता नहीं चला, अभी आपको कोई समस्या नहीं है। तीसरी कंडीशन में देखिए, जब आपकी बकेट फुल हो गई, जब आपकी बकेट इन टॉक्सिन्स से फुल हो गई है, तब जाके आपकी बीमारी डायग्नोज होती है इस कंडीशन पे जाके। Is your bucket
ओवरफ्लोइंग, क्रोनिक स्ट्रेस, प्रोसेस फूड, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, पैथोजेंस, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पेन किलर्स, इनको नसेट्स बोलते हैं, फूड सेंसिटिविटीज, ये सारी, ये सब जो भी चीजें हैं ये आपके अंदर जाती जा रही है, आपकी बकेट को फुल कर रही है। और जिस दिन आप इस कंडीशन में पहुंचेंगे आपकी बकेट फुल हो जाएगी, उस दिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको डायग्नोज करेगा कि तेरे को शुगर है, तेरे को बीपी है, तेरे को थायराइड है, तेरे को गठिया है, तेरे को माइग्रेन है, तेरे को एक्स वाई जेड है, कुछ भी। ये जब जिस दिन बकेट फुल हो जाएगी उस दिन आपकी बीमारी डायग्नोज हो जाएगी। ये थ्योरी है जिसको बोलते हैं टॉक्सिक बकेट थ्योरी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। आपकी बकेट फुल हो रही है रोज रोज, आप कुछ, आप क्या है टॉक्सिन्स, किस चीज से फुल हो रही है, मैं वो आप, आगे आपसे वो भी शेयर करना चाहूंगा, क्या है टॉक्सिन्स, व्हाट आर द टॉक्सिन्स, किस चीज से आपकी बकेट फुल हो रही है। तीन तरीके से टॉक्सिन्स आपके अंदर जा सकते हैं। पहला इंजेक्शन, खाने से, आपके मुंह के द्वारा आप खाने से टॉक्सिन्स अंदर जा सकते हैं। दूसरा इनहेलेशन, सूंघ के आपके अंदर टॉक्सिन्स जा सकते हैं। तीसरा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्किन के थ्रू भी टॉक्सिन्स अंदर जा सकते हैं। आप कोई फ्रूट्स खा रहे हैं उसमें केमिकल्स हैं, वो आपके टॉक्सिन्स हो सकते हैं। आज हर व्यक्ति प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहा है, बीपी है उसमें, वो आपके टॉक्सिन्स है। पोल्यूशन, आपके धूल धुआं मिट्टी इतना पोल्यूशन है, वो आपके टॉक्सिन्स है। आप जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट या होम केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे जो केमिकल वाली चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब टॉक्सिन्स है। ये सारे वो टॉक्सिन्स हैं, चाहे वो प्लास्टिक बोटल्स हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, चाहे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो फूड एडिटिव्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं हो, टोबैको हो, स्मैक, ये सब, ये सारी चीजें। कई लोग बोलते हैं मैं कोई टॉक्सिक चीजें नहीं है, अगर आप कोई भी एक्स वाई जेड, आप पोल्यूशन में रहते हैं, आप टोबैको स्मोक करते हैं, आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें, ये है टॉक्सिन्स, ये है वो कचरा जो आपके अंदर जमता जा रहा है। और होता क्या है, जो मैंने बताया आपको बकेट, टॉक्सिक लोड जो आपकी बकेट पे है वो धीरे 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 आपकी बकेट भरती जाती है। कुछ हैवी मेटल्स है, कुछ टॉक्सिक होम्स है, कुछ टॉक्सिक फूड्स है। और होता क्या है, समझने की कोशिश करना इस सिद्धांत को, टॉक्सिक लोड ऑफ बॉडी क्या है। इसमें होम एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, टॉक्सिक एनवायरमेंट हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग ऑल्सो ए टॉक्सिक लोड आपके शरीर पे। जब आप बुरे विचार, आप कोशिश देखना, जब भी आपको कभी बुरे विचार आएंगे, नेगेटिव थिंकिंग आएगी, आपको शरीर एकदम थका थका, आपका शरीर ऐसा हो जाएगा जैसे बहुत लोड पड़ गया, शरीर टूट जाता है, टॉक्सिक लोड बढ़ रहा है आपके शरीर पे, टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप्स आपके शरीर को, आपके शरीर के टॉक्सिक लोड को बढ़ाते हैं, या कोई करंट या पास्ट कोई ट्रोमा है वो आपके टॉक्सिक लोड को बढ़ाता है। बकेट ओवरफ्लो जब ओवरफ्लो होने लगती है तब आपको टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आने लगते हैं। इस पॉइंट पे जाके, एट दिस पॉइंट मोस्ट पेशेंट सी ए डॉक्टर, जब ये ओवरफ्लो हो जाती है तब जाके आप डॉक्टर के पास संपर्क करते हैं, और उस समय डॉक्टर क्या करता है, आपको मेडिकेशन दवाइयां शुरू करता है, और वो दवाइयां आप इस बकेट में डालना शुरू करते हैं। पहले से ही ये ओवरफ्लो है, सबसे ऊपर आप देखें मेडिकेशन है वो इसको ओवरफ्लो कर रही है, पहले से ही टॉक्सिक लोड बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोड है, ऊपर से और दवाइयां डालना शुरू कर देते हैं। शुगर पहले डायग्नोज हुई और डॉक्टर के पास गए, उसने और दवाइयां देना शुरू कर दी, आपकी टॉक्सिक लोड और बढ़ती जाएगी, आपकी बकेट भरती जाएगी, और आपकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। ये है सिद्धांत, ये है बीमारियों का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं टॉक्सिक लोड, शरीर का टॉक्सिक लोड कितना है, या शरीर का जो टॉक्सिक बकेट का जो सिद्धांत है वो ये सिद्धांत है। इसका सबसे ओवरफ्लो करने का मेन रीजन है मेडिकेशन, थोड़ा बहुत खाली था तो दवाइयों से पूरा हो गया, डॉक्टर ने जाके दवाइयां देना शुरू कर दी, और अब लाइफ टाइम के लिए आप इसमें दवाइयां डालते रहेंगे, ये ओवरफ्लो होती रहेगी, बकेट में दवाइयां डालते रहेंगे, और आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं होने वाली। ये टॉक्सिन्स कचरा है। इसके बाद एक और चीज पे आगे चलते हैं, उसके बारे में, ये जो भी तमाम तरह की, चाहे वो थायराइड है किसी को, चाहे किसी को गठिया, थायराइड है, आप गोलियां खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे, क्यों ठीक होंगे, आपकी बकेट तो फुल भरी है टॉक्सिक से, कचरे से भरी है, कभी साफ किया उसको, किचन में वही बताया कि ये कचरा भरा पड़ा है, इसके ऊपर कुछ छिड़कते रहो, कुछ दवाइयां डालते रहो, कभी ठीक नहीं होने वाला। ठीक करने का सिद्धांत है कि इस बकेट को खाली कर दो, फिर देखना आप कितनी जल्दी आपकी बीमारी ठीक होती। दोस्तों, अगर आपको ठीक होना है, आपको बीमारी को परमानेंट खत्म करना है, तो एक ही तरीका है कि हमें इस जो बाल्टी भर गई है आपकी, ओवरलोड होगी, इसको हमें खाली करना होगा। अब बात करते हैं एक और चीज की, जो एक बड़ा गंभीर समस्या है, आप लोग बड़े परेशान होते हैं उसकी भी, आपको एक सिद्धांत आज आपको बता दूं, वो भी इसी से संबंधित सिद्धांत, इसीलिए आपको बता दूं, ऑल अबाउट ओबेसिटी, मोटापा। आज हर व्यक्ति बहुत बड़ा, हमारा देश मोटा हो रहा है, एक तरफ हमारा देश मोटा हो रहा है, दूसरी तरफ
दूसरी तरफ हमारा देश भुखमरी का शिकार हो रहा है, माल न्यूट्रिशन यहाँ पे हो रहा है और साथ ही साथ मोटापा भी बढ़ रहा है। दोनों कॉन्ट्रावर्सी है, आप सर्वे निकालेंगे अगली बार आपको पूरा डाटा दिखाऊंगा। हमारा देश मोटापे में ऊपर बढ़ रहा है, न्यूट्रिशन में नीचे घट रहा है। सोचो आप, एक तो मोटापा है कि हम खाना अच्छा खा रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन, हम मोटे हो रहे हैं। नहीं, हम मोटे हो रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशन में नीचे गिरते जा रहे हैं। न्यूट्रिशन के मामले में हम देश के, पूरे वर्ल्ड के सबसे गरीब से गरीब, जो घाना और घाना जैसी कंट्री, उससे भी नीचे जाते जा रहे हैं और मोटापे में हम सबसे ऊंचाइयों पे जाते जा रहे हैं, नंबर वन आते जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों ये मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्यों लोग परेशान है, मोटापा कम नहीं हो रहा है? तो इसकी एक आपको एक थ्योरी समझा दूं आज, क्या है मोटापा और इसको कैसे आसानी से दूर किया जा सकता है। देखिए, किसी से भी पूछूं कि मोटापा कम करने का सबसे पहला सिद्धांत, किसी के पास जाएंगे सब एक बात बोलते हैं, डाइटिंग करो, डाइटिंग इज द बेस्ट। कितनी कैलोरी आप अंदर ले रहे हो, कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो, ये सिद्धांत है मोटापे का। लेकिन आज आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, ओबेसिटी का जो मेन फैक्ट है, क्या है ओबेसिटी, क्यों है ये मोटापा, क्यों फैट सेल बनती है, तो उसका बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक थ्योरी आपसे क्लियर करना चाहूंगा, आपसे शेयर करना चाहूंगा, डिटॉक्सिफिकेशन बेटर देन ए डाइट, समझने की कोशिश करना, जो मैं पढ़ रहा हूं उसको सुनने की कोशिश करना। फैट इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द टॉक्सिन्स एंड इंप्योरिटीज विच क्रिएट अनवांटेड वेट। ये है सिद्धांत। जो हमारी फैट सेल्स हैं वो क्यों क्रिएट होती हैं? भगवान ने शरीर बड़ा पावरफुल बनाया है, बुलेट प्रूफ बनाया है, हर बीमारी से बचने की क्षमता इसके अंदर बनाई है, हर बीमारी से लड़ने की क्षमता भगवान ने हमें दी है। फैट क्यों जनरेट होती है? आपके शरीर को टॉक्सिन्स और कचरे से बचाने के लिए फैट सेल्स का निर्माण होता है। अब आप पहली, ये तीन पिक्चर है, पहली पिक्चर में देखें एक आदमी मोटा है, उसके अंदर बहुत सारे कचरे हैं, टॉक्सिन्स है। अब उन टॉक्सिन से बचने के लिए इसके अंदर फैट सेल्स बनी, अब आपने डाइटिंग शुरू कर दी। मोटापे व्यक्ति के लिए, मोटे व्यक्ति के लिए यही चीजें सिद्धांत है कि आप कैलोरी कम खाओ, चीजें तली भुनी चीजें कम खाना शुरू कर दो, या बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन डाइटिंग जब आप करते हैं या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आप शुरू करते हैं, तब क्या होता क्या है, आपका जो शरीर है, शरीर जो आपका पतला, मेरी बात समझने की कोशिश करना, आप अभी आप इतने मोटे हैं, अभी आप इतने मोटे हैं और जब आपने एक्सरसाइज शुरू की, डाइटिंग शुरू की, आप इतने हो गए। आपके अंदर पहले इतना शरीर था, उसमें मान लो, उसमें मैं गिनती मान रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल नहीं, मान लो एक 10x10 का कमरा है और उसमें 100 टॉक्सिन्स है, 10x10 का कमरा है उसके अंदर 100 टॉक्सिन्स है, तो टॉक्सिन्स आराम से पूरे कमरे में बिखरे हुए हैं। अब उस कमरे का साइज आपने आधा कर दिया, 10x10 की जगह 5x5 का कमरा कर दिया, टॉक्सिन्स वही 100 है, तो टॉक्सिन्स की जो डेंसिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी या घटेगी? टॉक्सिक डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? टॉक्सिन 100 ही है, टॉक्सिन 100 ही है, कमरे का साइज 10x10 से 5x5 का कर दिया, तो क्या होगा? टॉक्सिन्स जो ओवरलोड है वो शरीर में और ज्यादा बढ़ गया, टॉक्सिन्स की जो डेंसिटी है और ज्यादा बढ़ गई। अब सोचो, टॉक्सिन्स की डेंसिटी बढ़ गई तो शरीर क्या करेगा? उन टॉक्सिन से बचाने के लिए और ज्यादा फैट सेल को जनरेशन करेगा, और जैसे ही आप डाइटिंग बंद करेंगे या नॉर्मल खाने पे आएंगे, आपका शरीर और दुगनी तेजी से मोटापे की तरफ बढ़ेगा और ये रिबाउंडिंग हो जाएगी। द टॉक्सिक ओवरलोड ट्रिगर द बॉडीज नीड टू क्रिएट फैट, वेट इज रीगेन्ड। आप देखें, दोबारा से ऐसे ही सेल, आप इस चक्कर में फंसते रहेंगे, आप डाइटिंग करेंगे, आपका वजन हो सकता है कम हो जाए, लेकिन जैसे ही आप दोबारा से नॉर्मल डाइट पाएंगे, आपका वजन दोबारा से बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। अगर अब आपको सिद्धांत समझ में आ गया होगा, क्यों मोटापा है? कचरे की वजह से मोटापा है। उस कचरे से शरीर को बचाने के लिए, उन इंप्योरिटीज से शरीर को बचाने के लिए भगवान ने फैट सेल्स का जनरेशन किया है। अगर आप चाहते हैं कि फैट सेल्स ना बने, उसका डिजनरेशन ना हो, तो उस कचरे को निकालना पड़ेगा। और तीसरी पिक्चर की तरफ आप जाएं, द ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, क्रिएट लीन मसल एंड रिलैक्स, रिलीज एक्सेस फैट। आपकी जो सारी फैट है वो अपने आप दूर हो जाएगी, बस इस कचरे को अंदर से निकाल दो। 10x10 का ही कमरा है लेकिन कचरे को निकाल दिया तो कमरे का साइज अपने आप छोटा होता चला जाएगा, वो जो फालतू चर्बी है अपने आप कम होती चली जाएगी, कुछ नहीं करता है। ये है थ्योरी मोटापे की। आज से पहले आप क्या करते आए थे मुझे नहीं पता, लेकिन आज से, आज के बाद अगर किसी का आपको वजन कम करना, एक्सेस चर्बी है, तो कुछ नहीं करना, अंदर झाड़ू मार दो, बस एक बार झाड़ू मार दोगे अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। आप देखें, अगर फिर से अगर उसको समझने की कोशिश करें, ये एक महिला दिखाई गई है, इसके अंदर आपका जो इतना इतना वजन है, इतना शरीर है, उसके अंदर इतने टॉक्सिन्स है, और जैसे इसने अपना वजन कम किया डाइटिंग की,
वो जो टॉक्सिन्स थे वो उतने ही है, लेकिन शरीर कमजोर हो गया जिससे टॉक्सिन्स का ओवरलोड बढ़ गया और दोबारा से इसने किया, बॉडी दोबारा से इम्प्योरिटीज की तरफ रिएक्ट करेगी और दोबारा से इसकी फैट सेल्स बढ़ेंगी और बहुत पहले से भी ज्यादा मोटापा इसको आ जाएगा। दूसरा मेथड है क्लींजिंग, कि ये इतनी मोटी थी इसने अपने आप को क्लींज किया, क्लींज किया तो टॉक्सिन्स कम हो गए, ओवरलोड कम हुआ और इसको दोबारा रिबाउंडिंग नहीं हुआ और नीट एंड क्लीन इसका शरीर हो गया। यही हो सकता है आपके साथ, आप भी ऐसा शरीर पा सकते हैं, आप भी फिट रह सकते हैं, आप भी अपने आप के कचरे को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं, अगर आप ओबेसिटी से परेशान हैं, आप मोटापे से परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे उपाय करने के बाद, बहुत सारी हैवी एक्सरसाइज करने के बावजूद आपका मोटापा कम नहीं हो रहा, आप डाइटिंग कर करके परेशान हो गए, तो इन सारी चीजों को एक बार साइड में रख के एक बार अंदर झाड़ू मार दीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन कर दीजिए, आपका मोटापा भी कम हो जाएगा, आपकी फालतू जो चर्बी है, इंप्योरिटीज है, वो भी सब दूर हो जाएंगी। और दूसरी चीज, कई लोग अब दिमाग में एक ही बात आएगी कि क्या जो मोटे लोग हैं उनको ही डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए? नहीं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, आपके घर में कुछ लोग बिल्कुल दुबले पतले से है, वजन ही नहीं बढ़ रहा है, बहुत खाते हैं, बहुत प्रोटीन खाते हैं, बनाना शेक पीते हैं, प्रोटीन खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, बस कारण है कि सर मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, दुबले पतले से। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि आपकी जो अंदर आते हैं, जब मैं आपको कैमरा डाल के अगर दिखाऊंगा तो आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे क्या हालत है हमारे शरीर की। आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी अच्छी से अच्छी चीजें खा रहे हैं, अगर आपकी आते क्लीन नहीं है, अगर आपकी आते क्लीन नहीं है तो आप कुछ भी खाएंगे वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वो अंदर। आपके आंतों में अंदर एक लेयर, आपकी जो आते हैं उनके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको विलाइज बोलते हैं, आप जो भी खाते हैं विलाइज में जाता है, वहां से अब्जोर हो जाता है सारी चीजें, लेकिन आपने अंदर कभी साफ ही नहीं किया, अंदर इतने कचरा जमा है, आपको एंडोस्कोपी डाल के दिखाऊंगा तो अंदर पता चलेगा पूरी गंदगी जमा है अंदर, कभी ब्रश तो की नहीं अंदर की। तो जो भी आप खाते हैं, अच्छी से अच्छी चीजें खाते हैं, आप प्रोटीन खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो आपके अंदर जाता है, अब्जोर ही नहीं हो रहा, इसीलिए आप दुबले पतले हैं, आप सब कुछ खा रहे, वेस्ट कर रहे हैं आप। अगर आप दुबले पतले हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन बढ़े, आपके आपका आपका स्किन पे ग्लो नहीं है, आप खा रहे हैं बस कमजोर है, पूरे सब कुछ अच्छे से अच्छा, बादाम खा रहे हैं जी, मैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, काजू खाता हूँ, पिस्ता खाता हूँ, प्रोटीन खाता हूँ, बनाना खाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, लेकिन शरीर पर लगता ही नहीं है, वो इसीलिए नहीं लग रहा कि अंदर कचरा जमा है, अंदर कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो उस कचरे को निकालिए दोस्तों। तो अगर आप दुबले पतले हैं तो भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, अगर आप मोटे हैं तो 100% आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, अगर आप बीमार हैं तो भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, अगर आप बीमार नहीं हैं तो भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। तो इट्स टाइम टू डिटॉक्स दोस्तों। जैसे आप अपनी गाड़ी या बाइक की सर्विस कराते हैं, टाइमली सर्विस कराते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, कुछ किलोमीटर ऊपर चल जाए तो बड़ा टेंशन हो जाता है, अगर अपनी गाड़ी या बाइक की सर्विस नहीं कराते तो क्या होता है, उसमें कभी कुछ दिक्कतें आती हैं, कभी कुछ दिक्कतें आई, कभी ब्रेक नहीं लगेगा, कभी आवाज आएगी, कभी कुछ होगा, वैसा ही शरीर के साथ होता है। जब आप इसी सर्विस नहीं कराते, इसका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो कभी गैस बनेगी, कभी एसिडिटी बनेगी, कभी सिर में दर्द होगा, कभी थकान होगी, फिर भी आपने इसकी सर्विस नहीं कराई तो कभी घुटनों में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, फिर भी अगर सर्विस नहीं कराई तो गठिया हो जाएगा, माइग्रेन होने लग जाएगा, कैंसर हो जाएगा, अगर फिर भी सर्विस नहीं कराओगे तो किसी दिन इंजन सीज हो जाएगा, टॉक्सिक ओवरलोड बढ़ता जाएगा, आप दवाइयां खा रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, साला पहले ही अंदर बकेट फुल भरा है, ऊपर से और दवाइयां खाते जा रहे हो। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो संपूर्ण स्वास्थ्य चाहते हो, आप चाहते हो मैं भी फिट रहूं, लीन एंड क्लीन रहूं, बिल्कुल मेरी फिट बॉडी रहे, मेरे अंदर कोई बीमारी ना रहे, तो पहले एक बार झाड़ू मार दो गंदगी पे। कोई चीज, आपका घर गंदा पड़ा है, आप कितना भी अच्छा पेंटिंग कर लेना, कुछ कर लेना, अच्छा नहीं हो सकता, ये शरीर भी आपका घर है जो भगवान ने आपको दिया, एक बार इसको साफ करो, रोज बाहर से नहाते हो, एक बार अंदर से भी नहा लो यार। तो डिटॉक्सिफिकेशन करना है, इट्स टाइम टू डिटॉक्स, आपको अपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करना है। और डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए देखिए, हमारे यहाँ पर इस तरह का कल्चर नहीं कि हम डिटॉक्सिफिकेशन करें, लेकिन विदेशों में लोग समय समय पे अपना डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं। मैं बहुत सारी कंट्रीज में गया हूँ, 10 से 12 कंट्रीज में गया हूँ, मैंने वहां देखा कि लोग जगह जगह पे डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर खुले हुए हैं, लोग जाते हैं अपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो बस खाते और गाड़ी चलाते रहते हैं, खाते और गाड़ी चलाते रहते हैं, खाया डीजल पेट्रोल डाला और चलाया, डीजल पेट्रोल डाला और चलाया, डाला और चलाया, डाला और चलाया। दोस्तों मां प्रकृति ने ये शरीर हमें
क्या खाने के लिए दिया था, हम क्या खा रहे, आप कल्पना करें अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल की है उसमें डीजल डाल देंगे कितने दिनों तक चलेगी, क्या चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। मट्टी तेल डाल दो, कैरोसिन डाल दो, चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। ऐसे ही हमारे शरीर के साथ है, हमारे शरीर माँ प्रकृति ने, अगर आप चाहते हैं तो दो चीजें आपको करनी पड़ेंगी, पहले चीज शरीर की सफाई करनी पड़ेगी और दूसरा जो जिन चीजों के लिए शरीर बना है वो दो इसको। हमारा शरीर बना तो है फ्रूट्स खाने के लिए, वेजिटेबल्स खाने के लिए, हरी सब्जियां खाने के लिए, अनाज खाने के लिए, और हम डाल उसमें क्या रहे हैं, पिज्जा बर्गर सैंडविच चाउमीन फलाना दिमका ये सब कुछ, इनके लिए शरीर नहीं बना था। हमारा शरीर डिजाइन हुआ था प्राकृतिक चीजों को खाने के लिए, जो प्रकृति में उत्पन्न होती उन चीजों को खाने के लिए, लेकिन हम इसमें डालते गलत चीजें और वही सारी चीजें हमारे अंदर जाके हमारे कचरे का काम करती है, टॉक्सिन्स है, हम उनको साफ करने की बजाय दिन पे दिन और ज्यादा खाते जा रहे हैं। और जब वो बाल्टी भर जाती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसमें और उसमें जले पे नमक का काम कर देते हैं और आपको दवाई शुरू कर देते हैं, थोड़ी बहुत बकेट खा ली थी उसको और भर देते हैं और आप हो जाते हो परमानेंट बीमार और अब जिंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, हर उस व्यक्ति को जो चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, हर उस व्यक्ति को जिसको गैस एसिडिटी है, हर उस व्यक्ति को जिसको माइग्रेन है, हर उस व्यक्ति को जिसको डायबिटीज है, हर उस व्यक्ति को जिसके जॉइंट्स में पेन है, हर उस व्यक्ति को जिसको पाइल्स है, हर उस व्यक्ति को जिसको सोराइसिस है, हर उस व्यक्ति को जिसको दमा है, हर उस व्यक्ति को जिसको नजला है, हर उस व्यक्ति को जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, हर उस व्यक्ति को जो चाहता है कि मैं 100 साल तक स्वस्थ रहूं, हर उस व्यक्ति को, हर उस महिला को जो चाहती है उसकी स्किन ग्लो करती रहे, उसकी स्किन चमकती रहे, कोई बाहर से फेशियल कराते रहते हो यार, अंदर से चाहिए इसको। आप सोचो कोई एक गिलास है उसके अंदर गंदगी लगी, कांच का गिलास, आप उसको बाहर से रोज साफ कर रहे हो, रोज साफ कर रहे हो, रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हो, साफ नहीं हो रहा। क्यों साफ नहीं हो रहा है, तो गंदगी तो अंदर है ना, रगड़ रहे हो बाहर से। उसी तरह शरीर अंदर से गंदा है, बाहर से चमकाने से कुछ नहीं होगा। रोज बाहर स्किन पर अच्छा अच्छा स्क्रब लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, अच्छी बात है। आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो, एलेक्स के प्रोडक्ट बेहतरीन है, अच्छे हैं, आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अकेले उनसे बात नहीं बनने वाली, पहले अंदर से क्लीन करो। जैसे ग्लास को अंदर से क्लीन करोगे, एकदम चमकदार ग्लास आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हर उस व्यक्ति को जो चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरे 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 को किसी तरह की बीमारी ना हो, मैं 100 साल तक सतायु हूं, आयुर्वेद का उद्देश्य यही है कि आदमी स्वस्थ रहे और सतायु रहे, 100 साल तक स्वस्थ रहे, टारगेट है आयुर्वेद का। एलोपैथी का ऐसा कोई टारगेट नहीं है, एलोपैथी का एक ही टारगेट है, दवाई खिलाओ दवाई खिलाओ दवाई खिलाओ दवाई खिलाओ दवाई खिलाओ दवाई खिलाओ। और हमारा उद्देश्य क्या है, सतायु हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ स्वस्थ से स्वास्थ्यम रक्षणम आतुरस्य विकार परशमनम च, ये हमारा उद्देश्य है। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे और बीमार व्यक्ति का विकार दूर कैसे हो, हमारा उद्देश्य दवाई खिलाना नहीं है। इसलिए दोस्तों, अब समय आ गया है, हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना है, अपने शरीर की सर्विसिंग करनी है। तो क्या आप सब तैयार हैं, एक बार कमेंट मैसेज करके मुझे बताएं कि क्या आप अपने शरीर को झाड़ू मारने के लिए तैयार हैं, क्या इस शरीर को शुद्ध करने के लिए तैयार हैं। भगवान ने, मां प्रकृति ने आपको जो शरीर दिया है, कुछ समय के लिए दिया है, तो प्लीज इसको गंदा करके वापस ना करें, इसको साफ सुथरा। आप अगर किराएदार हैं, आप इस मकान के किराएदार हैं, जब मकान मालिक को वापस ये जब मकान सौंपेंगे तो बिल्कुल साफ सौंपें, ताकि उसको भी लगे यार किसी अच्छे इंसान को ये मकान दिया था। सोच के देखे, आप किराएदार हैं, आपको मकान दिया और आपने सड़ा दिया, जब वापिस किया तो यार क्या गंदा कर दिया है। क्या आप भी चाहते हैं भगवान आपके बारे में ऐसा सोचे, कुदरत प्रकृति आपके बारे में ऐसा सोचे? अगर आप चाहते हैं ऐसा नहीं हो, तो दोस्तों आपको एक ही काम करना पड़ेगा, इस शरीर को साफ करो। तैयार है सर? यस सर, यस सर, यस सर, आई एम रेडी। जी हाँ, हमें सबसे पहले दोस्तों एक ही काम करना पड़ेगा, पहले हमें खुद के शरीर को साफ करना पड़ेगा और फिर हमें लोगों को करना पड़ेगा। इस ये डिटॉक्सिफिकेशन है, ये एक प्रक्रिया है, हमें शुद्ध करना है, हमारे शरीर को शुद्ध करना है। शरीर शुद्ध होगा तो समाज भी शुद्ध होगा, और समाज शुद्ध होगा तो देश भी शुद्ध होगा। तो तैयार है शुद्ध होने के लिए? तो उसी के लिए, उस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आयुर्वेद ने, हमें कोई मशीनों की जरूरत नहीं है। विदेशों में लोग क्या करते हैं, मशीनें हैं शरीर को अंदर से वॉश करने के लिए, बहुत मशीनें इस्तेमाल की जाती है, मशीनों की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कुदरत ने हमारे पास बहुत सारे नायाब तरीके बनाए हैं, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स बनाई है, अगर इनका नियमित रूप से सेवन किया जाए तो आपके शरीर का सफाई हो सकती है। उसी में बहुत सारी चीजें डिटॉक्सिफाई 4 तरीके से किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, टॉक्सिन्स निकलने के 4 तरीके हैं, अंदर जाने के 3 तरीके हैं, तो टॉक्सिन्स बाहर निकलने के भी बहुत सारे तरीके हैं।
तो क्या वो तरीके हैं? टॉक्सिन्स निकलने के चार रास्ते हैं, जिस तरीके से टॉक्सिन्स हमारे शरीर से निकलते हैं, अंदर जाने के जो तरीके हैं, उसके अलावा जैसे अंदर हमने मुंह से खाया टॉक्सिन्स बाहर निकल सकते हैं, हमने इनहेल किया तो सांस छोड़ रहे हैं तो उससे टॉक्सिन्स बाहर निकल सकते हैं, स्किन से टॉक्सिन्स अंदर गए हैं तो पसीने के थ्रू स्किन से बाहर भी निकल सकते हैं। इसके अलावा एक और चौथा तरीका है टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का, वो है यूरिनेशन, जो हम किडनी जो हमारी जो किडनीज हैं उनके थ्रू टॉक्सिन्स को हमारी यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है। इन सारे तरीके से हम टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो, आपके शरीर में जो कचरा है वो बाहर निकले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए प्रकृति ने ऐसे बहुत सारे अनमोल चीजें हमें दी। हमें मैंने जैसे आपको बताया कि हमें किसी मशीन की जरूरत नहीं है, हमें प्रकृति ने बहुत सारी चीजें दी हैं, उनका इस्तेमाल करके आप इस शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। जैसे कि लेमन ग्रास एक बहुत शानदार एक हर्ब है, आपने आप हो सकता है आपके घर में आस पड़ोस में कहीं पे हो, वो एक बहुत शानदार शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का तरीका। वो क्या करता है, शरीर से यूरिनेशन को बढ़ाता है, पसीने को बाहर ज्यादा से ज्यादा निकालने का प्रयास करता है, शरीर में जो जमा कचरा है उसको वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने का वो काम करता है लेमन ग्रास। इसके अलावा त्रिफला, जिसको आयुर्वेद में रसायन का दर्जा दिया गया, त्रिफला तीन फलों से मिलकर आंवला हरड़ बहेड़ा, उन तीन त्रिफला अगर उसको सही प्रपोर्शन में उसको दिया जाए तो वो भी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। त्रिफला तीन फलों से मिलके, जो जिसको बोलते हैं आंवला हरड़ बहेड़ा, उन तीनों के एक प्रपोर्शन है उसमें मिला के उसको बोलते हैं त्रिफला। इसके अलावा पुनर्नवा, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, पुनर्नवा एक ऐसी हर्ब्स है जो जिसको बोलते हैं कि पुनर्नवा, जिसका नाम ही पुनर्नवा, मतलब शरीर को नया कर देने वाली, किसी भी अंग को नया कर देने वाला जो औषधि है उसको बोलते हैं पुनर्नवा, तो पुनर्नवा उसके अंदर डाला गया है। ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जिसको अगर फिक्स प्रोपोर्शन में अगर उनको बनाया दिया अगर शरीर इस्तेमाल करे तो एक शरीर का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन शरीर का आप कर सकते हैं, डिटॉक्सिफाई शरीर को कर सकते हैं। तो उन्हीं सारी हब्स को मिला के दोस्तों, उन्हीं सारी हब्स को मिला के जो कुदरत ने आपके लिए बनाई है, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट अलेक्स आपके लिए लेके आई है। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले कंपनी की जब 4th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की, उस दिन इस प्रोडक्ट को हमारी बहुत दिनों से इसके लंबे समय तक इससे इस पे हमारी काम चल रहा था, रिसर्च चल रही थी कि कैसे शरीर को शुद्ध किया जाए। सभी लोग वाइटलक्स हॉस्पिटल में आके अपने आप का शोधन नहीं करा सकते, तो कैसे हर व्यक्ति घर बैठ के अपने आप को शुद्ध रख सकता है, अपने आप के शरीर को शोधन कर सकता है, इसकी शुद्धि कर सकता है। तो बहुत लंबे समय से हम इस पर रिसर्च कर रहे थे और बहुत ही रिसर्च करने के बाद एक शानदार प्रोडक्ट आप तक पहुंच गया है, काफी लोगों तक पहुंच गया होगा। अगर नहीं पहुंचा है तो वो अभी आप फटाफट ऑर्डर लगाएंगे तो आप तक पहुंच जाएगा, अलेक्स डिटॉक्स जूस। जी हाँ, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया गया है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप लेना शुरू करेंगे तो ये आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, आपके शरीर का शोधीकरण करेगा। और जब आप ये लेना शुरू करेंगे, पहले मैं इसका बता दूं, इसको लेने का जो तरीका है, 20 से 30 ml सुबह, 20 से 30 ml शाम को, 1 कप गर्म पानी, 1 कप गर्म पानी लेना है, 20 चाय की तरह, और 20 से 30 ml उसमें डालना और चाय की तरह आपको सिप सिप करके इसको पीना है सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। जब आपको इसको इस तरह लेना शुरू करेंगे तो ये आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर जो आंतों में आपका कचरा जमा है उसको साफ करेगा, आपके लीवर के थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, आपके स्किन के थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, आप जो एक्सप्रेशन जो सांस छोड़ रहे हैं हर तरीके से
हर तरीके से आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन ये कर देगा। तो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है एलेक्स डिटॉक्स जूस। ये एक बहुत ही, मैं आपको पहले बता चुका, मैं बहुत लंबे समय से इस पर रिसर्च कर रहा था, मैंने बहुत सारे रोगियों पे इसका निरीक्षण किया है, बहुत सारे लोगों पे इसका अप्लाई किया है, और जब उसके 100% रिजल्ट मुझे मिले तब जाके प्रोडक्ट आपके सामने लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रोडक्ट एलेक्स डिटॉक्स जूस। मुझे नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद कोई भी व्यक्ति बीमार रहेगा, किसी की भी बीमारियां, जैसे मैंने बताया ना बकेट जो ओवरफ्लो हो रही है, ये ऐसी चीज है जो आप इसको लेना शुरू करेंगे, जो टॉक्सिक बकेट का जो थ्योरी मैंने बताई, वो टॉक्सिक बकेट आपकी अब खाली होने वाली है। पहले एक बार कोई भी आप दवाइयां ले रही हैं, उन दवाइयों को ले रही हैं, ले रहे हैं, उन दवाइयों को एक बार साइड में रखें, सबसे पहले शरीर को शुद्ध करें, फिर आप देखेंगे। हो सकता है आप शलाकी जूस ले रहे हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कई लोग बोल रहे हैं शलाकी ले रहा हूं रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऑर्थो केयर ले रहा हूं रिजल्ट नहीं आ रहा, हार्ट केयर ले रहा हूं रिजल्ट नहीं आ रहा, डायबिटिक्स ले रहा हूं रिजल्ट नहीं आ रहा। तो एक बार उनको साइड में रख के शरीर को शुद्ध कीजिए। हो सकता है आपके हाथों में अंदर एब्जॉर्प्शन ही ना हो रहा हो। मैं यकीन से कह सकता हूं जब आप एक बार अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर देंगे उसके बाद चुटकियों में असर आएगा, शलाकी लेंगे पहले डोज से असर आएगा, उसके बाद आप डायबिटिक्स लेंगे पहली डोज से असर आएगा, ऑर्थो केयर लेंगे पहली डोज से असर आएगा, लियोसेफ लेंगे पहली डोज से असर आएगा। लेकिन पहले दोस्तों इस शरीर को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो ये एलेक्स डिटॉक्स जूस अवेलेबल है हमारी बकेट में, एक बहुत शानदार ये प्रोडक्ट आ चुका है, हर एलेक्सियंस के लिए गर्व की बात है। अब आपको क्या करना है, इसका एक शानदार पोस्टर भी कंपनी ने डिजाइन किया है। तो आपको करना क्या है, अपने घर के बाहर, अपनी दुकान के बाहर, अपने एएसएम के बाहर, अपने एआरएस के बाहर, अपने एटीएस के बाहर, अपने एडीएस के बाहर बस एक बोर्ड लगाना है कि यहां पर शरीर की सर्विसिंग की जाती है, बस बॉडी सर्विस सेंटर। एक अगर क्रांति लाना चाहते हो अपने बिजनेस में, एक क्रांति लाना चाहते हो अपने स्वास्थ्य में, अपने समाज में, तो अपने घर के बाहर एक पोस्टर जरूर लगा देना कि यहां पर शरीर की सर्विसिंग की जाती है। आज से पहले आपने लिखा होगा यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाई मिलती है, WHO सर्टिफाइड दवाई मिलती है, आयुष, लोग पढ़ते हैं और चले जाते हैं। एक बार मेरा दावा है अपने घर के बाहर लिख के देखेंगे यहाँ पर शरीर की सर्विसिंग की जाती है, देखना लोग कैसे लाइन लगा के, अच्छा शरीर की सर्विसिंग। दोस्तों बहुत बड़ा पूरा पूरा मैं कहना चाहूंगा पूरा पूरा आपका आपका समाज, पूरा आपका देश इंतजार कर रहा है, किसी की सर्विसिंग नहीं हुई है। रोड पे बाहर निकल जाना, किसी का भी हाथ पकड़ के पूछना, भाई साहब सर्विस हुई है क्या तेरी बॉडी, गाड़ी के सर्विस सेंटर तो बहुत आपके शहर में, बॉडी सर्विस सेंटर नहीं है। एलेक्स लेके आए हैं आपके लिए अच्छा कंसेप्ट, बॉडी सर्विसिंग सेंटर खोल डालिए अपने घर घर, गांव गांव, कॉलोनी कॉलोनी में बॉडी सर्विस सेंटर। आपके पूरे गांव में भी बॉडी सर्विस सेंटर नहीं होगा यार तो क्या नहीं चलेगा, क्या इतने लोग हैं, साला गाड़ी की सर्विस सेंटर मिल जाएंगे आपके गांव के समय में, लेकिन बॉडी सर्विस सेंटर नहीं है। जितना ध्यान गाड़ी या बाइक के रखते हो उससे कहीं ज्यादा प्रकृति ने आपको ये जो शरीर, अनमोल शरीर दिया है, इसका ध्यान रखिए, इसकी सर्विसिंग शुरू कीजिए। एलेक्स डिटॉक्स जूस अवेलेबल है सेल के लिए, फटाफट ऑर्डर लगाइए, हर उस व्यक्ति तक, हर एलेक्सियन तक, अगर वो सही मायनों में एलेक्स कर रहा है तो उसके हाथ में एलेक्स डिटॉक्स जूस अवश्य होना चाहिए। खुद के इस्तेमाल करके देखिए एक बार, फिर आप बता पाएंगे कैसा फील कर रहे हैं आप, फिर औरों को बता पाएंगे। अगर सही मायनों में एलेक्स में काम कर रहे हैं तो एलेक्स डिटॉक्स जूस आपके घर पे, आपके आस पड़ोस में, हर जगह होना चाहिए। फटाफट ऑर्डर कीजिए, कंपनी में लिमिटेड स्टॉक है, बहुत इसको बहुत प्रोसेस के बाद बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत, आयुर्वेद मेहनत मांगता है, तो एलेक्स डिटॉक्स जूस बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई कलर फ्लेवर डाला और जूस तैयार बाकी कंपनियों की तरह और आप रेडी हो गए पीने के लिए, नहीं, इंडस्ट्री में बहुत मेहनत के बाद ये जूस तैयार होता है दोस्तों। तो फटाफट ऑर्डर लगाइए, तैयार है। और जैसे हमारी सरकार, जो देश की सरकार है, हमारे जो कोई भी सरकार हो, हर सरकार यही प्रेरित करती है कि देश को साफ सुथरा रखें, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छता अभियान चला रखा है, तो वो देश को साफ करने की बात कर रहे हैं, आप शरीर को साफ करने का अभियान छेड़ दीजिए, मार दीजिए झाड़ू इस शरीर पे, जो अंदर कचरा जमा पड़ रहा है एक बार जो बकेट भरी है ना निकाल फेंकिए बाहर, बाहर की सफाई मोदी जी देख लेंगे, आप शरीर को साफ कर दो एक बार। तो दोस्तों हमें एक अभियान चलाना है, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन का अभियान। मैंने आपको आज सारी थ्योरी समझा दी है, क्यों बीमारियां होती है, क्यों मोटापा होता है, और उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे से बीमारियों को ठीक करने का आपका नजरिया बदल गया होगा, आगे से आपको बीमारी कैसे ठीक करनी है, दवाइयां नहीं ठूसनी है, दवाइयां नहीं ठूसनी है, पहले साफ करो यार, फिर दवाइयां देनी अगर जरूरत पड़े तो। दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप लोग जरूर इसको इस्तेमाल करेंगे और लोगों को इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारा जो स्लोगन है हमारी कंपनी का, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, उस दिशा में एक बहुत अहम कदम ये होने वाला है। तो दोस्तों अपने आप को स्वस्थ बनाइए, हर व्यक्ति अपना जिम्मेदारी ले लेगा तो देश अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, और देश स्वस्थ हो जाए
रोज करोड़ों रुपए की जो गोलियां खा रहे हो ना, छोटी छोटी गोलियां, शुगर, बीपी, गैस है साला, देश का करोड़ों रुपया पानी की तरह बह रहा है। और क्यों बह रहा है? क्योंकि अंदर जहर भी बढ़ रहा है, बीमारियों पैसा भी बह रहा है। बंद कीजिए उसको, देश तभी समृद्ध होगा। आपके घर में आप अंदाजा लगा के देखिए, आप शुगर के पेशेंट हैं, अपना खर्चा उठा लीजिए, 10 साल से आपको शुगर है, 5 साल से शुगर है, कितना खर्चा कर चुके आप शुगर की गोलियों पे, और क्या आप ठीक हुए? आपको गैस है, कितने सालों से आप गैस की गोलियां, रोज की 2 रुपए की 1 रुपए गोली, अंदाजा लगे साल के कितने रुपए खर्च कर दिए आपने, और क्या आप ठीक हुए? आपको हार्ट की समस्या है, कितनी गोलियां खा रहे, क्या आप स्वस्थ हुए? नहीं हुए ना। तो एक बार ये करके देख लीजिए, बंद कीजिए इसको। सही मायनों में देश तभी स्वस्थ होगा और देश तभी समृद्ध होगा। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, चाहे आप अलेक्सियन हैं, अलेक्स के लीडर्स हैं, हर वो अलेक्सियन है जो आज हमारे साथ कनेक्ट है, सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। या जो लोग अलेक्स से संबंध नहीं रखते हैं, अगर वो भी हमारे साथ कनेक्ट है, तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप भूल जाइए कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। लेकिन आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अपने कोई नजदीक कोई भी अलेक्सियन है, कोई भी आपको अलेक्स की टी शर्ट में नजर आए, अलेक्स के ड्रेस कोड में नजर आए, पकड़ लीजिए उसको और बताइए, भाई साहब मेरे को डिटॉक्सिफिकेशन करना है। हो सकता है अलेक्सियन आपको ना बताए, क्योंकि लिमिटेड चीजें हैं, हो सकता है। लेकिन आपको कोई भी कहीं भी अलेक्सियन नजर आ जाए, तो उसके पीछे पड़ जाओ, दोस्तों मुझे अपना डिटॉक्सिफिकेशन कराना है। आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं XYZ, लेकिन दोस्तों इसको जरूर आपको इस्तेमाल करना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, अपने आप को साफ रखेंगे, मैं फिर से अंत में यही कहना चाहूंगा, मां प्रकृति ने शरीर कुछ दिनों के लिए हमें दिया है, जब इसको वापस लौटाएं तो इसको गंदा करके ना लौटाएं, इसको जब लौटाएंगे तो बिल्कुल स्वच्छ शरीर लौटाएं, ताकि भगवान भी खुश हो, प्रकृति भी खुश होगी, किसी अच्छे इंसान को रहने के लिए शरीर दिया था, ना कि कचरा फैला के वहां पे दे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। थैंक यू सुपर एलेक्स। सुपर एलेक्स फ्रेंड्स, और जो भी लोग आज हमारे साथ फेसबुक पे कनेक्ट हैं, चाहे वो हमारे सभी एलेक्स के सीनियर लीडर्स हैं, या जो भी एलेक्स में एलेक्स से संबंधित लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, या जो लोग भी एलेक्स से संबंध नहीं रखते, जो लोग एलेक्स से संबंध नहीं रखते, अगर वो भी हमारे साथ कनेक्ट है, तो सभी को सुपर एलेक्स। सुपर एलेक्स हमारा विश करने का एक तरीका है। हम एलेक्सियंस दिल से जब भी किसी को विश करते हैं तो उसको बोलते हैं सुपर एलेक्स। तो आप सभी लीडर्स को और सभी एलेक्सियंस को हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आप समृद्ध रहें, क्योंकि यही हमारी कंपनी का नारा है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, हम इसी पे काम करते हैं। तो स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत खाली लिख देने से दोस्तों कोई भी देश स्वस्थ नहीं हो सकता या समृद्ध नहीं हो सकता, उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम मैंने देखा है बहुत सारे लोग कि वो लिखते तो बहुत अच्छी अच्छी चीज है, लेकिन उस पर प्रैक्टिकली क्या किया करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका वो जो लिखा हुआ स्लोगन है वो आप पूरा कर पाएंगे, नहीं तो हमारा स्लोगन है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। तो स्वस्थ भारत कैसे स्वस्थ होगा, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। आज का विषय है कि शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। देखिए, हमारा उद्देश्य बिल्कुल शुरू से ये नहीं रहा है, पहले दिन से मैं आपको बताता रहा हूं कि हमारा अच्छा, मैं एक चीज बस ये जानना चाहूंगा, कोई भी लीडर जो हमें मुझे सुन रहे हैं, क्या एक कोई भी एक बोल के बताए, क्या मेरी साउंड क्लियर है, क्या आप मुझे सही सुन पा रहे हैं? चलिए, तो ठीक है, आवाज क्लियर है, कंफर्मेशन है। तो शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है, इसका कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि देखो, हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। आप बोलेंगे कि सर हम तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर आप कहेंगे कि शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है तो लोग प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे? मैं फिर से आपको यही बात कहना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल ये शुरू से ये नहीं रहा है कि हम कोई खाली काम करें, प्रोडक्ट सेल के ऊपर काम करें। हमारा एक मिशन है कि देशवासियों को, लोगों को स्वस्थ कैसे बनाना है। तो कैसे स्वस्थ होंगे, उसका मूल मूल जो सिद्धांत है, आज मैं उस विषय पर बात करूंगा कि ये जो हमारा शरीर है ना, इसको कोई भी बीमारी को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, तो उसको दवाई किससे पहले उसको शरीर को शुद्ध करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करना चाहूँ, मान लो आपका घर है, आपके घर के आपका किचन लगा सकते हो, या आपके घर का कोई भी रूम लगा सकते हो। मान लो आपके घर की किचन है, किचन में आप बहुत सारी सब्जियां काटते हैं या खाना बच जाता है, वो आप एक डस्टबिन में डालते जाते हैं और डस्टबिन में वो इकट्ठा होता रहता है,
बहुत दिनों तक मान लो आप उसकी सफाई नहीं कर रहे हो, इकट्ठा हो रहा है, तो अब इकट्ठा होने से वहां पे स्मेल आने लगती है या बहुत सारे कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं, मक्खियां मच्छर उत्पन्न होने लगते हैं उस कूड़े में। तो आप क्या करते हैं उस पे ना, कोई उन मच्छरों को या कीड़े मकोड़े को भगाने के लिए आप उस पे कोई स्प्रे स्प्रे कर सकते हैं, उस पे स्प्रे कर देंगे, उस पे कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे कर सकते हैं या कोई भी स्प्रे कर देंगे, या उसकी ऑडर जो उसकी बदबू है उसको दूर करने के लिए कोई आप उस पे रूम फ्रेशनर आप डाल देंगे, तो हो सकता है कुछ समय के लिए, हो सकता है कुछ समय के लिए वहां से स्मेल चली जाए, हो सकता है कुछ समय के लिए मक्खी मच्छर मर जाए, लेकिन अगर वो स्थिति अगर ऐसे ही बनी रहेगी तो कुछ दिनों बाद और ज्यादा स्मेल आएगी और ज्यादा कीड़े मच्छर मकोड़े वहां पर पैदा होंगे, ऐसे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करने वाले जीवाणु उसमें उत्पन्न होंगे। आप बार बार उस पर स्प्रे करते रहें, बार बार उस पर कोई डिओड्रेंट डालते रहें, बार बार रूम फ्रेशनर डालते रहें, ऐसा कुछ करते रहेंगे तो आपको क्या लगता है आप उस स्मेल को या उस जो वहां पे होने वाली बीमारी है या जो गंदी स्मेल आ रही है सब कुछ, उसको आप कितने दिनों तक ठीक कर सकते हैं? उसको लंबे समय तक आप दबा के नहीं रख सकते। उसका दूसरा तरीका ये है कि उस कूड़े को आप उठाएं, उसको किसी उसमें बांध दें और अपने घर से बाहर फेंक दें, जहां कहीं पे कूड़ा फेंका जाए ऐसी जगह पे उसको ले जाके फेंक दें। उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो किचन है वो बड़ी साफ सुथरी लगेगी, आपका जो गंदी स्मेल थी वो चली जाएगी, आपके जो मच्छर पैदा हो रहे थे, मक्खियां पैदा हो रही थी, वो सब चले जाएंगे। तो ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया, आपने बीमारी पहले आप उसको ढकने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा छोटा सा तरीका आपने अपनाया कि उस कूड़े को उठा के घर से बाहर फेंक दिया, और आप पाएंगे कि आपकी किचन बिल्कुल साफ हो गई, वहां पे कोई स्मेल नहीं है, जो मच्छर मक्खी पैदा हो रहे थे वो अब बंद हो गए हैं। बहुत आसान सा तरीका था। इसी तरीके को बोलते हैं शोधन, ये है शोधन चिकित्सा। आयुर्वेद में, पूरे आयुर्वेद में की अगर चिकित्सा प्रणाली को अगर दो भागों में दोस्तों बांटा जाए, आज बड़े ध्यान से समझना जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, कुछ चीजें हम स्लाइड के माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वास्तव में कैसे होता क्या है। मैं आपको कुछ थ्योरीज आज समझाने वाला हूँ, हेल्थ स्वस्थ रहने की क्या थ्योरीज है उसके ऊपर बात करेंगे, मोटापे को दूर करने की क्या थ्योरीज है, कुछ थ्योरीज है अगर उनके ऊपर काम किया जाएगा तो आप बहुत आसानी से बीमारियों को भी दूर कर पाएंगे, मोटापे को भी दूर कर पाएंगे, या अपने शरीर में होने वाली तमाम तरह की लगभग 90% बीमारियों का एक ही समाधान है और वो है शोधन चिकित्सा। पूरे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली को दो भागों में बांटा जाए तो आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली दो भागों में विभक्त है, पहला है शोधन चिकित्सा और दूसरा है शमन चिकित्सा। दोस्तों आयुर्वेद ये मानता है आपको होने वाली तमाम तरह की बीमारियां, आपको होने वाली तमाम तरह की बीमारियां, चाहे आपके घुटनों में दर्द है, चाहे आपको डायबिटीज है, चाहे आपको कैंसर है, चाहे आपको एसिडिटी है, चाहे आपको सोराइसिस है, चाहे आपको एलर्जी है, चाहे आपको दमा है, चाहे आपको नजला है, चाहे आपको पाइल्स है, तमाम तरह की आपको होने वाली तमाम तरह की बीमारियों को अगर मूल कारण पे बात किया जाए तो तीन तरह के दोष है वात पित्त कफ। पहले मैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बात करूं आपसे, तो हमारे शरीर में तीन दोष है वात पित्त कफ, और ये वात पित्त कफ जब बैलेंस रहते हैं हमारे शरीर में तो आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, आप स्वस्थ रहते हैं। जब ये तीनों दोष बैलेंस्ड रहते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होती, आप स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब इनका जब ये अनबैलेंस हो जाते हैं, वात बढ़ गई तो वात से संबंधित बीमारियां जैसे कहीं पे भी दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, जो भी वात व्याधियां है, अगर वात बढ़ गई तो वात से संबंधित बीमारियां, अगर पित्त बढ़ गया तो पित्त से संबंधित बीमारियां, और कफ बढ़ गया तो कफ से संबंधित बीमारियां। जब ये दोष आपस में प्रकोपित हो जाते हैं, कोई दोष बढ़ गया कोई कम हो गया, तो इस तरीके से सारी बीमारियों की उत्पत्ति होती है। तो दोष जब अत्यधिक बढ़ जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं, तो बीमारियां होती, ये बीमारियों का मूल कारण है, मूल कारण है। तो अब इस मूल कारण को दूर करने के दो तरीके, क्या दो तरीके हैं? पहला तरीका ये है कि शोधन किया जाए और दूसरा तरीका है कि शमन किया जाए। आयुर्वेद में सबसे पहले एक ही बात का जिक्र किया गया कि सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चिकित्सा है वो है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा क्या है कि जो हमारे दोष है, जो हमारे दो शरीर में दोष बढ़ गए हैं, प्रकोपित हो गए हैं, उन दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, और उसके बाद अगर कुछ दोष रह गए हैं या कुछ बीमारी के कुछ अंश रह गए हैं तो उसको फिर दवाइयां देके उसका शमन किया जाए। तो ये दो तरीके हैं किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करने के, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। शोधन मतलब जैसे हमने अपनी किचन से कूड़े को उठा के बाहर फेंका और उसके बाद अगर थोड़ी बहुत गंदगी रह गई तो उसको हमने वहां से साफ कर दिया, उसमें आपकी स्मेल रह गई तो रूम फ्रेशनर डाल दिया, उसके बाद आपकी किचन बिल्कुल ओके हो गई। ऐसा ही शरीर के साथ होता है, ऐसा ही शरीर के साथ होता है। अगर जो बढ़े हुए दोष है, जो प्रकोपित दोष है, उनको सबसे पहले शरीर से बाहर निकाल दिया जाए और फिर उसके बाद अगर कुछ दोष रह जाए तो उनका दवाइयों औषधियों के द्वारा उनका शमन कर दिया जाए। इस तरीके से आप किसी भी तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं।
आयुर्वेद में शोधन के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और उन्हीं शोधन की जो तरीके हैं उनमें से एक तरीका है पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा जैसे आपका अपना हॉस्पिटल है वाइटल एक्स हॉस्पिटल, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, दूर दूर से पेशेंट आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, हर तरीके के पेशेंट आते हैं और यहाँ के वो स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, बहुत जल्दी उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। हम यहाँ दवाइयां कम इस्तेमाल करते हैं फिर भी पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, वो घर पे बहुत सारी दवाइयां खा रहा होता है फिर भी जल्दी ठीक नहीं होता। यहाँ पे बस हम एक ही काम करते हैं, उसके शरीर का शोधन करते हैं, उसका शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। यहाँ अलग अलग प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है और जैसे शरीर शुद्ध होता है ना दोस्तों, अपने आप बीमारी ठीक होने लगती है। शरीर में इतनी शक्ति है कि अपनी हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है, लेकिन आज हमारा शरीर इतना गंदा हो गया है, इतना गंदा हमारा शरीर हो गया है कि हम इसकी सफाई पे ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों अगर मैं बात करना चाहूं प्रकृति की, प्रकृति माँ ने ये हमारा शरीर हमें दिया है, ये एक भगवान का गिफ्ट है जो हमें दिया है, एक भगवान ने गिफ्ट दिया है, कुछ समय के लिए गिफ्ट दिया हमें, कुछ दिनों बाद ये शरीर हमारे पास से चला जाए।